अभी आ रही आवाज मेरे को? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू? ओके ओके, अभी ठीक आ रही है आवाज। ओके ओके, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज दिवांशु मल्होत्रा एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द इंटरनेशनल रिलेशन, आई वुड लाइक टू पुट सम लाइट ऑन UPSC. What is UPSC is all about? What you need to do? What would be the specifications? Okay. So we will discuss one by one. अभी वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? सर हम आवाज कट दोबारा कट रही है? किसी को आ रही है आवाज, किसी को नहीं आ रही है? सर क्लियर है? ओके, अभी आ रही है। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, सर क्लियर है? ओके, जिसको नहीं आ रही है अभी वॉइस, वो अपना एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें प्लीज। ओके, क्योंकि यहाँ सब ओके है, इंटरनेट कनेक्शन भी सही है, अभी माइक्रोफोन भी ओके है। ओके ओके, सभी आ रही है? क्लियर आ रही है? आ रही है। ओके ओके, दैट्स गुड। ठीक। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे होती है, यूपीएससी है क्या, इसमें किस तरह की आपको तैयारी करनी है, किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है। लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, सर आप पढ़ाई कितनी देर करें? यूट्यूब पे आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इधर आ जाइए, क्लिक मीटिंग पे, यहाँ पे बिल्कुल सही आ रही है आवाज। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे बच्चों के काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए हमें, कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए। ओके, बड़े जीप जीप से सवाल होते हैं। सर हमें इंग्लिश नहीं आती, कैसे होगा? हिंदी आती है सिर्फ, कैसे होगा, है ना? नोट्स कैसे बना रहे हैं, सबसे जो अहम मुद्दा रहता है, नोट्स कैसे बना रहे हैं। आप एक काम कीजिए, जिन बच्चों के पास ये लिंक नहीं है, क्या कहते हैं, क्लिक मीटिंग का, एक बार आप व्हाट्सएप पे सभी को मीटिंग का लिंक भेज दीजिए प्लीज। आई डोंट नो हाउ टू सेंड इट, आप प्लीज भेज दीजिए, किसी को भी पता दो। यू क्लिक मीटिंग का लिंक भेज दीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम आप शुरू करेंगे कि यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी में क्या है, किस तरह का एग्ज़ाम आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, उनको क्या स्ट्रेटेजी होती है टैकल करने की। ओके, सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी में थ्री स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स, इट्स अ ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप होता है सर, एक क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन होते हैं उसके, ठीक है, चार में से आपको एक चूज करना होता है, ठीक है। अब कई बच्चे तो होते हैं कि अकड़ बकड़ बम्बे वो है, धुक्का मारते हैं, बट वो चीज़ नहीं चल रही। इसमें वही एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। ओके, जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कहीं सोचते हैं कि यार रट्टे मार लेंगे, सिर्फ फैक्ट्स याद कर लेंगे, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है ना, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है, ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये वाले क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए चपरासी का फॉर्म भरा जाता है। ओके, लेकिन अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, तो उसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, प्रीलिम्स है। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन होगा, इसके चार ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एक पेपर होता है आपका जीएस,
जनरल स्टडीज का, ठीक है, और दूसरा होता है सी सेट का, यानी सिविल सर्विसेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, तो जैसा कि देख सकते हो जीएस पेपर वन में 100 क्वेश्चन आते हैं आपके दो नंबर के, ओके, यानी टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज करंट अफेयर्स। अगर आप लोग करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं कर रहे हो तो यू कैनॉट सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, शो नहीं हो रहा है सर, सब किसी को शो नहीं हो रहा, सभी को शो हो रहा है, ऑडिबल हूं मैं, एम आई ऑडिबल टू ऑल, प्लीज रिप्लाई, हो रहा, यस यस, बस नदियां नहीं बहानी मेरे भाई, बस थम जाओ, हो गया, ठीक है, अरे जज्बाती नहीं होना बस, हाँ ठीक है, हाँ। तो जैसा कि ये ग्रुप में बच्चे बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, कुछ पूछो तो सारे के सारे ओके, थैंक यू, है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, है नहीं बेटे ऐसे नहीं कर रहा। मैम ने कितनी बार बोला कि बेटा इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि बार बार मैसेजेस मत करो, लेकिन आप लोग क्या है कि बार बार मैसेजेस कर रहे हो, बार बार मैसेज, ऐसा अच्छा नहीं होता है ना। अगर आपको ये सिंपल सी बात नहीं समझ आ रही कि बार बार ओके थैंक यू ये नहीं करना, जब तक कुछ सवाल ना पूछा जाए तब तक नहीं रिप्लाई करना। इंटरव्यू में भी जब तक एग्जामिनर आपसे ना पूछे ना कुछ, तो जबरदस्ती आंसर नहीं देना है कि सर मेरे को तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल रटा हुआ है। एग्जामिनर ने बोलना आपको मैंने आपसे पूछा, ठीक है, तो जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, ठीक है, ओके थैंक यू मत करो। ये अंडरस्टूड है कि आपको अगर दिक्कत है तो उसका जवाब दो, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो आप स्क्रीन पे, दूसरा पेपर है आपका सी सेट का, जिसमें 80 क्वेश्चन आएंगे 2.5 मार्क्स के, यानी 200 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे, जिसमें होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, बेसिक न्यूमरेसी, सिंपल मैथ्स होता है आपका, जनरल मेंटल एबिलिटी। ये देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी की अभी बात कर रहे थे हम, जैसे कि कुछ बच्चे कईयों को समझ नहीं आ रहा कि एक 10 बार बोला कि बेटा ये ओके, ये थैंक यू, ये मैसेज नहीं करने, ये जैसे जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको सिंपल सी बात नहीं समझ आ रही तो आप यूपीएससी कैसे समझोगे, है ना, तो ये इस चीज पे ध्यान दीजिए। ओके, उसके बाद है डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, तो ये होगी फर्स्ट स्टेज की बारी। अब इसमें कई बच्चे पूछेंगे सर कितने मार्क्स चाहिए होते हैं सर जीएस पेपर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं सी सेट तो 33% चाहिए होते हैं, 200 के 33% चाहिए होते हैं। ओके, और इसमें 200 मार्क्स में से ये डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितने की है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम भी 70 से 80 अटेम्प्ट करने ही करने हैं आपको क्वेश्चन। ओके, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3, ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो यानी 1 क्वेश्चन के नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। 1 क्वेश्चन के नंबर कितने हैं, 2 मार्क्स के, ठीक है, तो 2 मार्क्स बिल्कुल कट जाएंगे। तो ये चीज पे ध्यान देना है कि आपने नेगेटिव मार्किंग ना हो, और वो नेगेटिव मार्किंग कब नहीं होगी, जब आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के बाद आती है सेकेंड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में दौड़ रहे होते हैं गधे और घोड़े, ठीक है, इसमें से गधे निकल जाते हैं और सिर्फ घोड़े रह जाते हैं। सेकंड स्टेज में सिर्फ घोड़ों की रेस है, ठीक है। सेकंड स्टेज है मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये है सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप बोले तो आपको क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना है कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जाम होता है, ये भी क्वालिफाइड होते हैं, इंग्लिश का मार्क, इंग्लिश का पेपर होता है 300 मार्क्स, ठीक है, क्वालिफाइड है। दूसरा रीजनल लैंग्वेज, आपकी रीजनल लैंग्वेज आपने चूज की है, जैसे हिंदी, पंजाबी, कुछ 300 मार्क्स का उसका पेपर होता है। लिखा हुआ बोथ एग्जाम्स आर टू टेस्ट कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आपको आपने बचपन में आपको टीचर ने बोला होगा कि बेटे पढ़ो इसको पढ़ो, ठीक है, आप भी क्लास में खड़े होके चैप्टर रीड कर देते थे, ठीक है। देखो इस एग्जामिनेशन की खास बात क्या है, अभी तक आप पढ़ते आए हो लेकिन आप समझते नहीं आए हो, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू नॉलेज। अगर आप खाली पढ़ रहे हो, आपने आगे अपनी किताब रख ली और पढ़ी जा रहे हो, आपने कहा कि आज तो मैंने किताब खत्म कर दी, वो आपने किताब पढ़ी है, ओके, यानी आपने अंडरस्टैंड नहीं की, ठीक है।
अंडरस्टैंड करने में और रीड करने में, यानी पढ़ने में और समझने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। जैसे कि आपके अपोस्टल दिए हैं, ठीक है, वो जो आपकी होली बुक है, ठीक है, बाइबल है, उसको उन्होंने अच्छी तरह समझा हुआ है तभी वो अच्छी तरह आपको समझा पाते हैं, ठीक है, अगर इंटरप्रेट कर पाते हैं, ठीक है। आप लोगों को नहीं इतनी समझ है तभी वो समझाते हैं, ठीक है। यानी कि इस एग्जामिनेशन में समझने की जरूरत है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन क्वालिटी पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि 10 घंटे बैठे हैं और किताबें पढ़ ली हैं और समझ कुछ नहीं आया, बाद में पूछा आज पूरे दिन में क्या पढ़ा, आज हिस्ट्री की किताब उठ गई थी, तो पढ़ा क्या ये तो पता नहीं, ठीक है। तो समझो उसको, अपने आप से पूछो कि हाँ यार आज मैंने क्या पढ़ा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेट टू मेंस एग्जामिनेशन की, जिसमें पहला पेपर इंग्लिश का, दूसरा पेपर रीजनल लैंग्वेज का, ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। मेन तो आपकी होती है एसएल पेपर से, ठीक है, 250 नंबर का पेपर आता है, 3 घंटे का पेपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर आता है जीएस पेपर 1, 250 मार्क्स का, 3 घंटे का, जिसमें सब्जेक्ट्स आपके आते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री आपकी तीनों आएगी, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, चारों आएंगी, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी आएंगी, उसके बाद आएगा जीएस पेपर 2, ये भी 250 नंबर का होगा। इसमें आपके सब्जेक्ट्स आएंगे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आईआर, आईआर बोले तो इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, आपको जीएस पेपर 2 का आईआर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, यानी इंटरनेशनल रिलेशन। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, कि जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन है जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है जीएस पेपर 3, 250 मार्क्स का, 3 घंटे का, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं आपके साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। तो यानी कि जीएस पेपर 2 में से इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर 3 में से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ओके। उसके बाद आपका जो है एग्जाम जीएस पेपर 4 का होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। इसमें आते हैं आपके एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ओके। उसके बाद 8 पेपर होता है आपका ऑप्शनल पेपर, अभी कईयों को पता भी नहीं होगा कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। आप ये देखना कि आपकी किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, ज़्यादा समझ में आ रही है, अच्छी इन द सेंस समझ कौन सी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अच्छी ये नहीं कि अरे सर ज्योग्राफी की किताब हरे से रंग की है, मेरा फेवरेट कलर हरा है तो मैं ज्योग्राफी ले लेती हूँ, नहीं ये पता ही नहीं करना, ठीक है। वो पहला ऑप्शनल पेपर 1 यानी ऑप्शनल का 1 पेपर होगा 250 नंबर का, और उसके बाद ये टोटल 7 पेपर और 2 पहले वाले, ठीक है, वो जो क्वालिफाइंग है उनको, मतलब सिर्फ वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो यानी टोटल वैसे 9 है, वैसे 7 हैं इसके मार्क्स जुड़ेंगे आपके, जो आपका आईएएस बनते हैं तो आपके इसके मार्क्स जुड़ेंगे 1750, यानी 7 पेपर 250 नंबर, ओके। और उसके बाद आपकी जो लास्ट स्टेज है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट इज इंटरव्यू। सर इंटरव्यू में तभी क्वालिफाई कर पाओगे अगर आपने कॉन्फिडेंस, अगर आपने समझदारी है और अगर आप में पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने की काबिलियत है, ठीक है। जितना पूछा जाए उतने का जवाब दो, फालतू जवाब नहीं देना, ओके। स्टेज 3 इज अबाउट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ग्रैंड टोटल हो गया 1750 जमा 275 जमा 2025, ठीक है, 2025 मार्क्स का आएगा सारा टोटल, ओके। आवाज रुक रही है, वॉइस इज ब्रेकिंग, अभी आ रही है आवाज, अभी को अभी आ रही है आवाज, कट रही है अभी 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 अभी, हेलो 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 हेलो, आ रही यस 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 यस,
सर होगी सर वापस के लिए। हाँ ठीक है, अरे बीच में थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है ना, ऊपर पर ठीक है आ गया। बस शांति 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 शांति, ठीक है। बस तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्री स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो प्रीलिम्स में रेस हो रही होती है गधों की और घोड़ों की। ठीक है, गधे रह जाते हैं और घोड़े आगे निकल जाते हैं सेकंड स्टेज में मेंस एग्जामिनेशन। तो फिर घोड़ों की रेस चलती है मेंस में, और जो सबसे तेज दौड़ने वाला होता है वो आगे जाता है इंटरव्यू में, और जो सबसे बढ़िया होता है वो बनता है आईएएस आईपीएस या आईएएस। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द रैंक। ठीक है, कि आपका रैंक क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉब्लम की, कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस एग्जामिनेशन में। सबसे पहले जो बेसिक प्रॉब्लम है, एक तो कई बच्चे कहते हैं कि यार इंग्लिश नहीं पढ़नी आती सर, हमारे से किताबें नहीं समझ आ रही, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ओके, हाँ हाँ गुड मॉर्निंग हो चुकी है, ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख जी बस 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 कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो जैसे कि कई बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश पढ़ने में समझने में सर हम कैसे पढ़े, हमें समझ नहीं आ रही। बेटे ये तो आपको थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप करनी ही पड़ेगी एट एनी हो, ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब वो क्या होता है ना कि समय के साथ साथ परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ठीक है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर आप चेंज नहीं हो रहे टाइम के साथ साथ, ओके, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप में से अभी दिक्कत आ रही है कि सर आपकी स्क्रीन रुक जाती है अभी रुक रही है स्क्रीन, अभी क्लियर आ रही है वॉइस? एक बार एक दो बच्चे मैसेज कर दो, वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर ठीक है चलो ठीक है। हाँ, तो जो दिक्कत आती है कि इंग्लिश स्पीकिंग में, कि या समझने में या पढ़ने में, कि हाँ सर हमारी बुक समझ नहीं आ रही, तो जैसे कि सर ने भी शायद पहले समझाया हो आपको कि आप बेसिक एनसीईआरटी से शुरू करो, क्लास सिक्स की एनसीईआरटी ले लो। ओके, क्लास सिक्स की एनसीईआरटी लो, और उसके पीछे ना एक्सरसाइज होती है। ओके, उसके पीछे एक्सरसाइज होती है, वो आप सॉल्व करो। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का पढ़ा, जिसका भी पढ़ा, तो उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करो, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं यार हम नहीं, इंग्लिश में हमारे से हो नहीं पाएगा। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप में से कुछ लोग जिम जाते होंगे, जिम जाते हैं, गोले गोले बनाने जाते हैं। अब होता क्या है कि आप पहले दिन जाती हो, ओके, तो आप देखते हो कि जो ट्रेनर होता है आपको आपको कहते हैं कि सबसे हल्के वाला डंबल उठाना है ना, मतलब ढाई ढाई किलो का डंबल उठाना, तो ढाई किलो का डंबल देते हैं। आप भी कहते हो कि हाँ यार हाँ वार्म अप कराता है तो ढाई किलो का डंबल देता है पहले दिन, तो ढाई से शुरुआत करता है कि यार भाई ज्यादा वेट उठाओगे तो आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाएंगे। ओके, तो डंबल देता है, तो आप भी कहते हैं चल यार कोई ढाई किलो का ही सही है, और आपको भी लगता है अरे हाँ यार ये ढाई किलो का भी काफी भारी है। ओके, तो होता क्या है कि आपको एक एक हफ्ता वो बिल्कुल हल्की हल्की एक्सरसाइज कराता है ताकि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स ना पड़े। ओके, तो होता क्या है, तो दूसरे तीसरे दिन आप देखते हो कि आपके बगल में एक लड़की आके बैठती है और वो 10 किलो का डंबल उठा रही है, वो मार रही है 10 किलो का, आप मार उठाएंगे, आपकी मर्दानगी को भाई साहब क्योंकि बगल में लड़की आ गई, अब इज्जत की बात आ गई, मतलब उठाना ही पड़ेगा। उसको कहते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आपको चेंज करना। सिमिलरली यूपीएससी में भी ऐसे है, हाँ यूपीएससी में भी ऐसे है कि अभी क्या ना सिचुएशन ऐसी बन गई कि हाँ यार हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब कि अब पढ़ना ही पड़ेगा इंग्लिश में। अगर आप अब हर इंसान को अपनी लाइफ में अपग्रेड होना चाहिए, ठीक है, आज आप सपोज हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हो, ठीक है, सरकारी में पढ़े हो, ठीक है, तो आपने वहाँ पे हिंदी पढ़ी, ठीक है, अभी आपको मौका मिल रहा है कि इंग्लिश में पढ़ने का, तो क्या दिक्कत है, अपने आप को अपग्रेड करो ना, धीरे धीरे समझ आ जाएगी, थोड़ी आए समझ तो आ जाएगी।
और इवेंचुअली आप देखोगे कि आपको हर चीज, अभी शुरुआत में आपको शायद सर ने बताया हो कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़े हैं? दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ठीक है, जिनमें न्यूज़ भी ऐसी आती है सॉरी जिनमें न्यूज़ ऐसी आती है शुक्ला जी की बहू पांडे जी के साथ भाग गई है ना, इस तरह की न्यूज़, ठीक है, द ट्रिब्यून, कुछ मैं कईयों की बात कर रहा हूँ, देवी जी आपने ट्रिब्यून पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, जनरली हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा आता है, ओके, और लास्ट के पंजाब केसरी में लास्ट के तीन लड़कों को पता होगा, लास्ट के जो थ्री पेपर होते हैं उसमें अच्छी पिक्चर्स होती हैं लास्ट से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ आपको क्लियर सॉरी अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है। पहले आप सपोज द हिंद वो पढ़ते थे, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ठीक है, पंजाब केसरी, अभी आपको ट्रिब्यून से शुरुआत करो, द हिंदू पे आओ, धीरे धीरे समझो चीज़ों को, ठीक है। एक छोटी सी नोटबुक ले लो, उसमें कोई वर्ड होता है एक आधा कि हाँ यार ये वर्ड, उसको ऐसे स्किप ना करो कि अपने आप से अंदाजा लगा लिया हाँ यार इसका मतलब ये होगा तो ये लाइन बन जाएगी, नहीं, कहीं पर कुछ और मतलब होता है। और द हिंदू न्यूज़पेपर की खासियत क्या है, उसमें 10-15 वर्ड्स ऐसे थोड़े इंग्लिश के मुश्किल होते हैं और बाकी फिर वो रिपीट करते हैं, आप देख लेना, अब धीरे धीरे पढ़ोगे तो इवेंचुअली यू विल नो कि हाँ यार ये तो आसान ही है, ये तो घूम फिर के वही वर्ड्स दोबारा यूज हो रहे हैं, तो बेसिक सी इंग्लिश है, ठीक है। इसमें ये मत करने लग जाना बच्चे कहीं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने लग गए हैं इसमें, ठीक है। यूपीएससी में भाई आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, इवन की टॉपर गॉट ओनली 43-45% मार्क्स, 50% भी नहीं आते टॉपर के, 42-43% मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमें पीएचडी नहीं करनी, और यूपीएससी की अगर आप नोटिफिकेशन देखो उसमें लिखा हुआ है क्लियर क्लियर कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, जनरल अंडरस्टैंडिंग मतलब ऊपर ऊपर से एक आम आदमी को जो समझ आ जाए कि हाँ यार अच्छा इकोनॉमिक्स है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ रही है, क्या कारण है, हमारा देश इतना गरीब क्यों होता जा रहा है, महंगाई बढ़ने का क्या कारण है जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं हम, मतलब बेसिक चीजें, काला धन कहाँ से आएगा, ब्लैक मनी के बारे में, ब्लैक मनी कैसे जनरेट होती है, ब्लैक मनी को गवर्नमेंट कोप अप करने के लिए क्या कर रही है, हाँ पेंडेमिक जैसे कोविड के बारे में, कोरोना वायरस क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता होगा स्पिटिंग इज ऑल्सो क्राइम, ये क्राइम है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन से एक्ट में है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में है, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ भी कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन लगती है जो रेलेवेंट है एक पेज और ले लो और कुछ लिख लिया करो, ठीक है, कुछ भी रेलेवेंट लगता है, ठीक है सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो आसपास चीजें घट रही हैं, आपके देश में जो जो चीजें घट रही हैं उसके बारे में आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कॉन्शियसली उसको नोटिस करना है। जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है, ठीक है, अभी पीछे ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज की न्यूज पढ़ रहे हो कि मोदी ने राहुल गांधी को पप्पू कह दिया, इस तरह की न्यूज नहीं पढ़नी भाई, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो न्यूज भी आपको स्पेसिफिक पढ़नी है, ये नहीं कि 5-5 घंटे न्यूज पेपर ही पढ़ रहे हो, न्यूज पेपर में सिर्फ शुरुआत में 2.5-3 घंटे लगते हैं शुरुआत में, धीरे धीरे रिड्यूस करके 2 घंटे पे आना है आपने, ठीक है। और न्यूज पेपर के नोट्स बनाना है, सबसे जरूरी चीज है नोट्स। अच्छा, नोट्स बनाने से पहले सबसे एक जो बेसिक दिक्कत आती है कंसिस्टेंसी की, बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ना कितने, मतलब कितने घंटे पढ़ना है सर। हमारे जो टीचर थे ना, हमारे टीचर हमें कहते थे कि उतनी देर पढ़ाई करो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है अभी आ रही है आवाज क्लियर, हेलो 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 हेलो, गुलशन कुमार जी को आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आ गई, मतलब बच्चे यस सर तो लिख के बैठे हैं, जैसा पूछना साथ ही एंटर का बटन ठीक है, अरे शांति, हाँ ठीक, जज्बात ही हो जाते बच्चे, ठीक है, हाँ समझ आ गई, अभी आ रही है, तो गुलशन कुमार जी को आ गई ना, बस ठीक है, यस सर इन बिटवीन स्क्रीन इज गेटिंग स्टॉप्ड एंड स्टार्ट्स परफेक्ट। देखो मेरी शक्ल इम्पोर्टेंट नहीं है, वॉइस इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो दूसरी जो चीज़ आती है, मैं बात कर रहा था, हाँ उससे कितने घंटे पढ़ रहे हैं,
भाई हमारे तो टीचर ये बोलते थे कि उतना पढ़ो कि जब आप पढ़ो ना उसके बाद पढ़ जाओ, मतलब उसके बाद सो जाओ, मतलब गिर जाओ। ये नहीं कि आपने मान लो 3 घंटे पढ़ाई की सपोज, ठीक है, उसके बाद आपको नींद आने लगी, कह रहा अरे यार नींद आ गई भाई बहुत भयंकर, और जैसे ही गिरे और कहा कि अरे यार एक बार इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, ठीक है, यूट्यूब देख लेता हूँ या व्हाट्सएप देख लेता हूँ, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। मतलब पढ़ने के बाद गिरे तो मतलब गिर गए, वो वाली भयंकर वाली नींद आनी चाहिए, ठीक है, जैसे मजदूर को आती है पूरा दिन काम करने के बाद, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई का कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, जैसे कि मैं आपको शायद मैंने कहीं यूट्यूब में कहीं वीडियोस में भी डाला है कि हर आधे घंटे के बाद ना 5 मिनट का गैप ले लो, क्योंकि इससे क्या होता है बोरियत नहीं महसूस होती। अगर आप कंटिन्यूसली 3 घंटे पढ़ रहे हो, कंटिन्यूसली 3 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो फिर आपको बोरियत सी महसूस हो रही है, इवन कि नींद भी आ जाती है, पॉसिबिलिटी है कि नींद भी आ जाती है, क्योंकि नजरे गड़ाए रखो और दिमाग भी उधर से चल रहा है, तो आपको नींद आने की संभावना है। तो हर आधे घंटे बाद हाथ मुंह धो लिया, थोड़ा सा फ्रेश हो गए, आधे घंटे में ये नहीं कि आधे घंटे के बाद यूट्यूब चला के बैठ गया, अरे यार चल यार वीडियो देखते हैं, दिलजीत का गाना देखते हैं, कोई भी इस तरह कुछ भी देखते हैं, ठीक है, वो एक बार वीडियो खोल ली उसके बाद तो आधे घंटे के बाद पता नहीं कितने घंटे निकल जाएंगे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। सॉरी, इसके बाद दिक्कत आती है कंसिस्टेंसी। एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। आपका कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी मतलब रोज पढ़ना है। अब एक बच्चा है वो सोमवार को 10 घंटे पढ़ता है, मंगलवार को 2 घंटे पढ़ा उसने, ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है, हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही, तो वॉइस क्लियर, लेट मी चेक। अरे अभी आ रही है आवाज, हेलो अभी आ रही है, सर इट्स ब्रेकिंग, नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो हेलो, माय ऑडियो, जस्ट 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 होल्ड ऑन। वीडियो क्या आ रही है? ओके अभी आ रही है, अभी आ रही है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक हो गया, अभी आ रही है, अभी हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल, सॉरी, हाँ जी सर, अच्छा, चलो ठीक, अभी आ रही सर, आई थिंक आपके तरफ नेटवर्क सही नहीं चल रहा। हाँ ये बात सही थी यार, हम भाई गांव में रहते हैं, गांव में जैसे उस वजह से अभी सही आ रही है, अभी चलो ठीक है, तो यार रिप्लाई है, हाँ अभी आ रही है, सोफिया विलियम आ रही है, मुझे बनाया उन्होंने, आ गई था आवाज। हाँ तो सबसे जो दिक्कत है वो कंसिस्टेंसी की आती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एग्जाम्पल बता रहा था, हाँ ठीक है आ गई है, एग्जाम्पल बता रहा था, जैसे सपोज एक बच्चा है उसने सोमवार को 10 घंटे पढ़ा, मंगलवार को 2 घंटे पढ़ा, वेडनेसडे को 3 घंटे, थर्सडे फ्राइडे को पढ़ा नहीं और सैटरडे को 4 घंटे, ठीक है। अब एक दूसरा बच्चा है मंडे को 3 घंटे पढ़ता है, ट्यूसडे को 3 घंटे, वेडनेसडे को 3 घंटे, थर्सडे को 3 घंटे और संडे तक 3 घंटे, रोज 3 घंटे पढ़ता है, ठीक है। दोनों में से कंसिस्टेंसी किसकी है? दूसरे वाले की है ना, दूसरे वाले की है, जाहिर सी बात है, जो कि रोज पढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी जरूरी है, ये नहीं कि एक दिन 2 घंटे पढ़ लिए, बाकी 2 दिन पढ़ी नहीं, फिर 3 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 घंटे पढ़ लिए, ऐसे नहीं। अगर 3 घंटे से शुरुआत करो आप, 3 घंटे पढ़ो, पहले हफ्ते 3 घंटे पढ़ो, आपको लगता है कि हाँ यार अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा, ठीक है। किसी भी आदत को डालने के लिए 21 दिन लगते हैं, ठीक है, 21 डेज लगते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव है। अगर धीरे धीरे आप शुरुआत करोगे, 3 घंटे से शुरुआत करो, ये नहीं कि आज बैठे कि आज से ही मैं 10 घंटे पढ़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा, फिर बोरियत सी महसूस होने लगती है, ठीक है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, धीरे धीरे करके 8-10 घंटे, ठीक है, 10 से 12, बस इससे ऊपर 10-12 घंटे, और वो भी क्वालिटी वाले, ये नहीं कि
जबरदस्ती बैठ गया पढ़ने, मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा मैं तेरी फीस भरी हुई है, ठीक है तूने आईएएस बनना है, तेरी दादी का सपना है या तेरी माँ का सपना है बनना है, तो जबरदस्ती बन गया। ना ना सर, अगर अंदर से है ना कि हाँ यार मेरे को देश के लिए कुछ करना है, आईएएस बनना है, अच्छा स्टेटस चाहिए मेरे को, ठीक है तो करो, अदरवाइज मत करो कि किसी के जबरदस्ती किसी ने आपको पुश कर दिए कि हाँ यार मेरे को ये करना ही करना है, ठीक है। अच्छा बच्चे कहते हैं कि यार हमें मोटिवेशन की बड़ी दिक्कत होती है कि भाई हमें रोज मोटिवेशन चाहिए, मतलब मोटिवेशन नहीं सर, अंदर से ना आग होनी चाहिए। जब तक अंदर से आग नहीं होगी ना, मतलब जब तक पढ़ाई से मोहब्बत नहीं होगी ना सर, तब तक नहीं पढ़ सकते। बुक्स आर लाइक योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर डेली टाइम नहीं दिया ना यूपीएससी को, यूपीएससी को डेली टाइम नहीं दिया ना सर, ये छूट जाएगी सर, किसी और पे चली जाएगी। एक तरफा प्यार है सर, शुरुआत में एक तरफा प्यार है, अगर एक तरफा आपने शिद्दत से कर दिया ना सर, वो कहते हैं ना एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, तो वो आपने यूपीएससी के साथ एक तरफा प्यार दिखाना है शुरुआत में। जब आपने एक बार पूरा डेडिकेशन से इसके साथ प्यार दिखा दिया ना, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि हाँ यार आपको भी लगेगा कि अरे यार अब तो मेरे को समझ आ रही है चीजें, है ना, मजा सा आने लग गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका, आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन का, तो ये तो बेसिक सा बताया यूपीएससी के बारे में, ठीक है। तो इवेंचुअली हम डिस्कस करेंगे नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स बनाने का भी तरीका होता है आपको हल्का सा बता देता हूँ मैं। नोट्स बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको समझ आए कि एक पेज को, सपोज आपने एक पेज पढ़ा, ठीक है, एक पेज को आपने सिर्फ एक पेज में मान लो सपोज 25 लाइनें हैं सपोज, ठीक है, उन 25 लाइनों को, उन 25 लाइनों को सर सीढ़ियों की जरूरत नहीं है, साहब तक जाना है हमारी मंजिल को आसमान है रास्ता हम भूल जाना। अरे भाई साहब कहते ही शायर बैठे हैं, ठीक है भाई साहब ये शायरी वरी ना लिखो, ठीक है अब इस पे फोकस करो, ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अभी हम नोट्स के बारे में, नोट्स के बारे में कह रहा था, ठीक है। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स बनाने का क्या तरीका है, सपोज जैसे 25 लाइनें हैं, हाँ 25 लाइनें हैं, ठीक है, उसको आपने इस तरह से कंप्रेस करना है, मतलब उसको आपने 2-3 लाइनों में ऐसे बता देना है कि यार इस पेज पे तो इसके बारे में बोला गया, सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इस पेज में तो औरंगजेब के बारे में बोला गया कि औरंगजेब की पॉलिसीज कैसे थी, सपोज ये इकोनॉमिक्स का पेज पढ़ रहे हो तो इसमें इन्फ्लेशन के बारे में बोला गया, महंगाई के बारे में बोला गया कि महंगाई क्या है, ठीक है, उसको इस तरह से समराइज कर दो, इस तरह से लेमन टर्म्स में यानी आम आदमी को आप समझा सको, कि आपकी दादी भी पूछ ले कि बेटा आज इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा है तो उसको भी समझा सको, आपकी दादी पूछ ले कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या करा है तो उसको बताओ कि आज मैंने पैलियोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है, मीजोलिथिक, इनके बारे में पढ़ा है कि उस टाइम दादी स्टोन होते थे, उसके बाद फिर फायर इन्वेंशन हुई, ओके तो इस तरह एक आम आदमी को समझा सको, अपने घर के दादी को समझा सको, रिक्शे वाले को समझा सको, ठीक है। अगर वैसे समझा सको इसका मतलब आपको समझ आ गया, अगर नहीं समझा पा रहे आप उसको लेमन टर्म्स में, इसका मतलब आपको खुद को क्लियर नहीं हो। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन, लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन। हाँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे बेसिक। इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या सर, इंटर मतलब बाहर, नेशन मतलब पर्टिकुलर नेशन, देश, ठीक है, इस नेशन से बाहर के देश के साथ, बाहर के जितने भी हैं देश उनके साथ हमारा कैसा रिलेशन है, ठीक है। इंट्रा मतलब होता है अंदर, देश के अंदर, और इंटर मतलब देश से बाहर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ ये खाली हाथ जोड़ने से, स्माइल करने से नहीं बनते, ठीक है, काफ़ी सारी डिप्लोमेसी होती है, काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होते हैं दो देशों के बीच में, ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस देश के साथ हमारी
क्या फायदा मिलना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए किसी भी रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक रिश्ता, ठीक है। रिलेशन बनाने के लिए हमें एक, देखो घर में रिश्ता बनाना है अगर किसी के साथ, तो उसमें नहीं इतना प्लान वगैरह चाहिए होता, लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशन बनाना है, यानी किसी, सपोज आप बिजनेस रिलेशन भी बना रहे हो किसी के साथ, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि इसको मैं ये सामान बेचूंगा तो बदले में मेरे को ये फायदा होगा, उससे मैं ये सामान खरीदूंगा तो मेरे को ये फायदा होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक प्लान बनाना होता है, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन इज बेसिकली अ प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय वन नेशन इन रिगार्ड टू इट्स डिप्लोमेटिक डीलिंग्स विद कंट्रीज ग्रुपिंग। अगर दो कंट्री के साथ, अगर इंडिया और एक कंट्री का, सपोज इंडिया और यूएस का, तो बायलेटरल रिलेशन हो गया। इंडिया यूएसए या सपोज कोई चाइना है या साथ में जापान है, अगर तीन चार कंट्री के कोई इकट्ठा एग्रीमेंट है, उसको मल्टीलेटरल रिलेशन, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि किस तरह का एग्रीमेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन इज बेसिकली अ प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय वन नेशन इन रिगार्ड टू इट्स डिप्लोमेटिक डीलिंग्स विद कंट्रीज ग्रुपिंग्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज एटसेट्रा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द फॉरेन पॉलिसी, वो किस पे डिपेंड करते हैं। जाहिर सी बात है, आपका किसी के साथ रिलेशन बना है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो फायदा होता है, ठीक है। जैसे बिजनेस रिलेशन में क्या होता है कि कुछ ना कुछ फायदे की चीजें होती है कि हाँ यार ये मेरे इंटरेस्ट है, ये बंदा ये मेरा पूरा कर पाएगा, ठीक है। उसी तरह के दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट में दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है कोर इंटरेस्ट और दूसरा होता है टेम्परेरी इंटरेस्ट, ठीक है। कोर का मतलब क्या होता है, कोर मतलब होता है ना गहराई, ठीक है। जैसे किसी को प्रपोज करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, है ना, गहराई गहराई, डेप्थ डेप्थ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, गहराई, थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, आई लाइक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं दिल की गहराई से आपको पसंद करता हूँ, ठीक है। तो कोर मतलब गहराई, ठीक है। तो देश की गहराई के वो मुद्दे क्या है, पहली है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, सॉवरेनिटी मतलब स्वराज्य, हिंदी में इसका मतलब है स्वराज्य। स्वराज्य मतलब अपना राज्य, ठीक है। जैसे कि आपने ब्रिटिश रूल के टाइम में देखा होगा कि कैसे उन्होंने हमारे जो किंग्स थे उनका बेवकूफ बना के बिहाइंड द कर्टन काम किया, ठीक है, सारी जो अथॉरिटी थी वो अपने पास ले ली, ठीक है। तो उससे हमने ये सीखा है कि सॉवरेनिटी के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कि जो कि हमने ब्रिटिश रूल के टाइम पे गलतियां की, ठीक है, उनको अपने देश का राज्य देके, ठीक है। दूसरा है सर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अखंडता जिसको बोलते हैं, एक सेकंड में पॉइंटर यूज करके देखो, ये काम कर रहा हूँ, चलो ऐसे बिना पॉइंटर के कर लेते हैं, बिना पॉइंटर के कर लेते हैं, ठीक है, माउस से कर लेते हैं। दूसरी है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब राष्ट्रीय अखंडता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अब सपोज मोदी जी अपना नॉर्थ ईस्ट का कोई हिस्सा उठा के बांग्लादेश को दे दें, ठीक है, तो ये चीज हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है, कि यानी कि हमारे देश की जो अखंडता, ये भारत है, भारत कोई भी हिसाब ने खंड नहीं करना, यानी अखंड भारत कहते हैं ना। उसके बाद आती है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में। इसलिए हमारे पास तीन तरह की फोर्सेज हैं, एयर फोर्स है, मिलिट्री है और नेवी है, ठीक है, सुरक्षा बेसिकली। उसके बाद आता है सर प्रमोशन ऑफ ट्रेड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, हेलो जी जी है। आ गया ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया, ओके, सॉरी रवि सर का कॉल था, वो इज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू रवि सर। हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, सर डिफिकल्ट सब्जेक्ट के नोट्स के लिए डिफिकल्ट नोट यूज करें, डिफरेंट सब्जेक्ट के नोट्स, ओके।
हाँ सब कुछ चीजें बताएंगे देवी जी, बस थोड़ा सा सब्र करना, आपको हर चीज बताई जाएगी, आपको बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। हाँ उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, इसके लिए हमारी तीन जो है फोर्सेस हैं, एयरफोर्स होगी, आपकी नेवल होगी और आपकी मिलिट्री होगी, ओके। उसके बाद आती है प्रमोशन ऑफ ट्रेड, सर आपने एक देश को कुछ कॉमोडिटीज बेची, बदले में उसने आपको कॉमोडिटीज बेची, ओके। उसके बाद टेम्परेरी इंटरेस्ट, टेम्परेरी इंटरेस्ट मतलब कि हाँ यार इस देश के साथ ना हमें अभी सपोज मान लो इंडिया की किसी के साथ लड़ाई हो जाए, बगल में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए, तो हमें फॉर द टाइम बीइंग किसी और देश से मदद लेनी पड़ जाए, जैसे मान लो श्रीलंका से लेनी पड़ जाए, ठीक है, या किसी और छोटे मोटे कंट्री से, सपोज हमारे को पानी की जरूरत पड़ जाए तो हम किसी पर्टिकुलर देश से फॉर द टाइम बीइंग मांग लें, ठीक है, कोई भी मदद। तो ये टेम्परेरी इंटरेस्ट जिसमें लिखे, बट जैसे कि टेम्परेरी इंटरेस्ट में लिखा है, सम टाइम वी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सम इश्यूज ड्यू टू नेशनल इंटरेस्ट, तो मतलब जब हम देखते हैं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस टेम्परेरी इंटरेस्ट, तो उस केस में हम वोटिंग भी नहीं देते, वोटिंग कहाँ पे देते हैं, यूएनएससी में। यूएनएससी पता ही होगा आपको, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि मैंने पहले भी बताया था, 15 मेंबर्स की बॉडी होती है, ठीक है, यूनेस्को नहीं बेटे, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, ओके, जिसमें 10 परमानेंट, सॉरी 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसमें जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 कंट्रीज होते हैं जिनको P5P बोलते हैं, वो होते हैं सर यूएसए, चाइना, यूके, रशिया और फ्रांस, ठीक है, ये आपको रटने हैं, ठीक है, इनके नाम कैसे भी करके रटो। और ये जो 5 कंट्रीज होते हैं इनको वीटो पावर होती है, बेसिकली वोटिंग देने की पावर होती है, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनको पावर नहीं होती, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इन वोटिंग देने की पावर होती है परमानेंट को, नॉन परमानेंट को नहीं होती, ठीक है। इंडिया नॉन परमानेंट में, इंडिया परमानेंट मेंबरशिप, इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब ऑफर की गई थी, लेकिन उस टाइम जो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब थे उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारी बजाय चाइना को दे दो, उस टाइम हिंदी चीनी भाई भाई हो रहा था, ठीक है, तो उनको दे दी, खैर ठीक है। एनीवेज तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम पढ़ रहे हैं मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बढ़िया होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, ठीक है, हिस्टोरिकली हमारा उस देश के साथ अरे दिख नहीं रही क्या फोटो, स्लाइड सभी को क्लियर है, स्लाइड क्लियर है, स्लाइड क्लियर नहीं आ रही, अच्छा यस 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 आ रही आ रही आ रही, बहुत ठीक है ठीक है। हाँ तो जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसा हमारा पाकिस्तान के साथ काफी शुरुआत से काफी खट्टे रिलेशन रहे हैं, कि इवन की क्रिकेट मैच भी होता है तो तब भी हमारे अंदर रिवलरी वाली फीलिंग आ जाती है ना, तो उस देश के साथ हमारे कैसे रिलेशन है उस पर भी डिपेंड करता है, हमारी फॉरन पॉलिसी भी फिर उसी हिसाब से होगी, ओके, जिसके साथ अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया के साथ हमारे अच्छे हैं तो हमारी फॉरन पॉलिसी अलग तरह की है, पाकिस्तान के साथ हमारी अलग तरह की है, चाइना के साथ हमारी अलग तरह की है, क्योंकि चाइना के साथ भी हमारा वॉर हो चुका है 1962 में, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ ही आपको पता चली, ठीक है। उसके बाद आता है ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर देश कहाँ पर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नेपाल में हिमालयाज हैं, ओके, हिमालय से आपको पता होगा काफ़ी सारी रिवर ओरिजिनेट होती हैं, काफ़ी सारी नदियों का उद्गम स्थल है, उसको ओरिजिन बोलते हैं, ओके, काफ़ी सारी इंडियन रिवर्स हैं, तो रिवर किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, डैम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, काफ़ी सारे यूजेज हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा कल्चर, वहाँ का कल्चर कैसा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नेपाल में हिंदूज हैं, 80% हिंदूज हैं, तो ऑलमोस्ट सेम कल्चर है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद वहाँ की पॉलिटी कैसी है, वहाँ की मतलब राजनीति कैसी है, वहाँ की, वहाँ के लोग राजनीतिक या जो है पॉलिटिशियंस हैं उनकी सोच कैसी है,
उसके बाद पीपल यानी डायस्पोरा जिसको बोलते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है, वो हमें इंडियंस को लाइक करते हैं नहीं करते हैं कैसे। उसके बाद आता है पब्लिक ओपिनियन, वहाँ के जो लोग हैं नागरिक हैं उनका क्या मतलब हमारे देश के प्रति सोच है, ठीक है, क्या ओपिनियन है जनता का, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम ड्यूरिंग विच द पॉलिसीज कंडक्टेड डिपेंड अपॉन द लीड टाइप ऑफ लीडरशिप, ठीक है, मतलब उस टाइम वहाँ पे किसकी हुकूमत है, ओके, वहाँ पे लीडरशिप किसकी है, तो ये सब फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद आते हैं सर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या है सर फॉरेन पॉलिसी, मतलब क्या हम हासिल करना चाहते हैं फॉरेन पॉलिसी से, क्या ऑब्जेक्टिव है। सिंपल से ध्यान देखो, कोई भी चीज कोई भी काम कर लो, जो लास्ट हमारा जो रिजल्ट है ना, कोई भी काम कर लो दुनिया में, कुछ भी काम कर लो, कोई भी उठा लो, जो लास्ट एंड रिजल्ट है वो क्या है, शांति, पीस। आप सर खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको एकदम से भूख लग रही है, खाना खाया आपको क्या मिलेगा, पीस सर, शांति मिलेगी, है ना। आपने जैसे खाने की बात होगी और कुछ भी ले लो, जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद आप आईएएस बन गए, आईएएस बनने के बाद आप सोच रहे हो आपको शांति मिलेगी, ठीक है, फिर आपको और काम करना पड़ेगा, वो काम खत्म होगा फिर शांति मिलेगी, ठीक है, थक कार के आप लोग काम, सपोज दिन में काम करते हैं, आपके पेरेंट्स काम करते हैं, ठीक है, उनका एंड रिजल्ट क्या है कि हम हमारे पास इतना पैसा हो कि बाद में क्या मिले हमें, शांति, शांति कह लो, सुख कह लो, ठीक है। सिमिलरली फॉरेन पॉलिसी का भी हाँ सेटिस्फेक्शन कह लो, एक शांति मतलब होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन की बजाय शांति ज्यादा सही वर्ड रहेगा कि पीस, पीस रहे, ठीक है। सेटिस्फेक्शन तो अब आतंकवादी को भी होती है ना, गोली मार के, है ना, कि अरे यार मैंने आज खून कर दिया, पीस, पीस इज इम्पोर्टेंट, कि पीस भी है शांति भी बनी रहे, ओके, हाँ संतुष्टि, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए फॉरेन पॉलिसी के, मतलब क्या हासिल क्या होगा इससे, एक तो क्या है कि मेंटेन ग्लोबल पीस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबली पीस बना रहे, शांति बनी रहे, इस तरह की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये इन सबको बंद किया जाए, ओके, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति। अगर हमारा एक रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, जैसे को कहते हैं ना पड़ोसी के साथ अगर हमारा अच्छा रिलेशन है, तो सपोज कोई बाहर से आके कुछ आपको कुछ बोलता भी है, तो पड़ोसी आपके साथ खड़ा रहेगा कि हाँ यार ये मेरे काम आया तो मैं आज इसके साथ खड़ा होता हूँ, कोई भी मुसीबत आई है, ओके। दूसरा सर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि इंटरनेशनली भी हमें ये पीस यानी शांति और सिक्योरिटी को बढ़ाना है, ये जो लाइन है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आपके आर्टिकल नंबर 15 के डी 15 में, सॉरी 51 में है, डीपीएसपी में, सॉरी पॉइंटर का सही तरह काम नहीं कर रहा था, सॉरी फॉर दैट, फंडामेंटल ड्यूटीज है, आर्टिकल 15 में है, ओके, 51 डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्ममेंट हो जाए कि यार अब मतलब जितने भी हथियार हैं वो सब छोड़ दो यार, ठीक है, मतलब बजाय इन हथियारों पे पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय हम वो पीस में इन्वेस्ट करें, ओके, हम लोग वो पीस में इन्वेस्ट करें या फिर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेंट करें, ठीक है। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि रिडक्शन और विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेज एंड वेपन्स, ओके। और क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ वांट, डिसीज एंड हंगर, जैसे कि मैंने बताया जो भी बीमारियां हैं उन सब के ऊपर विजय पाई जाए, ठीक है, हर बीमारी का इलाज हो हमारे पास, तो वो जो जहाँ मिलिट्री में इतना सारा पैसा जा रहा है, आर्म्स में जा रहा है, एमिनेशन में जा रहा है, हथियार वगैरह जो एक दूसरे से खरीद रहे हैं, ठीक है, तो फाइटर जेट्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो इन पे पैसा ना इन्वेस्ट करने के बजाय हम लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, डेवलपमेंट पे फोकस करें बेसिकली, ठीक है। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल, वही घूम फिर के वही बात आ जानी है कि दोस्ती बना के रखनी है, शांति बना के रखनी है। लास्ट लाइन है प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सली हमें भाईचारा बना के रखना, मतलब बात वही है, कहने का ढंग बदल जाएगा, बस कहना आई लव यू ही है, बस अंदाज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब बात वही है, अंदाज अलग अलग है, वो कहते हैं भगवान एक ही है, तो भगवान एक ही है, उसके नाम अलग अलग है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईसा मसीह कहता है, ठीक है, अलग अलग नाम है, कोई बुद्ध कहता है, कोई कृष्ण कहता है, सब एक ही चीज़ है,
ठीक है, सबका मालिक एक। उसके बाद जो है हमारे प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सिद्धांत क्या है, क्या प्रिंसिपल है, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है। सबसे पहला सर प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, वही बात सर, शांति मेंटेन करनी है। शांति ये वाली शांति नहीं सर, ना ये तो काम वाली शांति होगी, ना ही ये राहुल गांधी वाली शांति की कह रहे हैं। अस्तोमा अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया, तुम सोचो मां ज्योति को मैं घुमा के लाते हैं, वो वाली शांति भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओम शांति शांति बोल रहे हैं, ये वाली शांति नहीं। ये तो हम किस शांति की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अकाल पर वर्ल्ड पीस की, दुनिया में बिल्कुल शांति बने रहे, कोई झगड़ा ना हो, कोई उग्रवादी ना हो, कोई बॉम्ब ना विस्फोट हो, ठीक है, कोई किसी प्रकार की लड़ाई ना हो। ठीक है, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एम क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि मेंशन है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द टीपीएस। ठीक है, उसके बाद आता है सर हमारा सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल हमारा है एंटी इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने काफी सारी अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, फिर मैं आपको दिखाते हैं, जैसे कि इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द कॉलोनी, इंडिया होगी, इजिप्ट होगी, माल्टा होगी, वॉल्सलैंड होगी, न्यूजीलैंड होगी, आयरलैंड, सिप्रस, केप, जिब्राल्टर, जमैका, कनाडा और भी हैं, इसके अलावा भी हैं काफ़ी सारी कॉलोनीज। ओके, मतलब कि इन पे हुकूमत की, बेसिकली इनको अपना वो बना लिया, क्या कहेंगे हिंदी में, मेरे को वर्ड नहीं बोलना, मैं समझ लो कॉलोनी बना लिया यार, उनके ऊपर हुकूमत की बेसिकली, गुलाम बना लिया। हाँ, गुलाम बना लिया। ठीक ठीक है, ठीक है। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द कंट्रीज पावर, मतलब अपनी पावर को एक्सटेंड करना, एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन, एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन। यूज ऑफ वेपन, मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स, ठीक है, कोई भी अपने या फोर्स से या जबरदस्ती या अपनी पावर यूज करके किसी तरह भी उसको गुलाम बनाना है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म या फिर कॉलोनियलिज्म। ठीक है, एग्जांपल ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, इंडियन फॉरेन पॉलिसी अपोज करती है कॉलोनियलिज्म को भी, इंपीरियलिज्म को भी, जाहिर सी बात है ना, जिस वजह से आपको मार पड़ी हो तो उस चीज को तो आप अपोज करोगे। ठीक है, तो इंडिया अपोजेस बोथ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, बिकॉज इट लेट, ये है क्या बेसिकली, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर नेशंस बाय द इंपीरियलिस्ट पावर। ठीक है, क्योंकि ये चीज क्या करती है, इट अफेक्ट्स द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। ठीक है, ये शांति भंग करती है, और हमारा मकसद क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, शांति को मेंटेन करना। ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया एडवोकेटेड बेसिकली लिक्विडेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म इन ऑल फॉर्म, यानी कि जितनी भी कॉलोनियलिज्म की फॉर्म्स है ना, तो सभी को खारिज कर दिया। वो कहते हैं कि हमारा, हम इसके खिलाफ हैं भाई, हमें नहीं ये चीज़ें पसंद। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अबाउट एंटी रेशियलिज्म। रेशियलिज्म, रेस का मतलब क्या होता है, रेस, रेस का मतलब होता है नस्ल, नस्ल को बोलते हैं रेस। ठीक है, ये कलर को बोलते हैं बेसिकली, कहते हैं ना ये कलर, ये गोरा है, ये काला है, ये काले हैं, है ना। जैसा कि आपको पता होगा कि अफ्रीका में, हाँ वेरी गुड, ब्लैक और वाइट के बीच में ये जरा डिस्क्रिमिनेशन था रंग की वजह से, रंग भेद को बोलते हैं। ओके, हाँ सर, सो रेशियलिज्म इज बेसिकली अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल बेसिस ऑफ रेस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ये काला है, ये हो रहा है। एग्जांपल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्लैक एक्ट्स बाय वाइट्स इन अफ्रीका नोन एज अपार्टहाइड। ठीक है, इसके लिए ना जातिवाद, नहीं जातिवाद अलग चीज होगी भाई, हाँ जाति अलग चीज होगी, जातिवाद कास्टिज्म हो गया। ठीक है, ये रेशियलिज्म है, दोनों चीजें सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, हेलो 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 हेलो,
अब वॉइस क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सर आवाज नहीं आ रही है, अभी आई, अभी आई, अभी मैं कॉल कर रहा हूं, अभी 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 आई, आ गई आ गई आ गई, ठीक है ठीक है, इन बिटवीन, हाँ वो कॉल आ गया था इस वजह से, सॉरी। तो रेशियलिज्म हम डिस्कस कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी रंग भेद कह लो, ठीक है, या नस्ल भेद कह लो, उसके आधार पर भेदभाव कर, जैसे कि एग्जांपल एक्सप्लोजन ऑफ ब्लैक्स बाय व्हाइट्स, ठीक है, इन अफ्रीकन दुनिया की शांति भंग करती है बेसिकली, जाहिर सी बात है, आप भेदभाव करो किसी के साथ तो अशांति फैलेगी, तरकड़ गया, सभी को आवाज नहीं आ रही, हेलो 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 हेलो, अभी आ रही, अब आ रही है? यस सर, बिल्कुल वॉइस कट रही है, ओके, लेट मी चेक द कनेक्शन, वॉइस हैज बीन स्टॉप, अभी आ रही है, यस आ गई आ गई आ गई आ गई, नाउ इट्स ऑडिबल, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इट्स मे बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल लूप होल्स, सो दिस इज द डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया है हमारा, यहाँ पे ढंग से आवाज नहीं आती, यहाँ पे ढंग से नेट नहीं चलता, वो आप सब आईएएस बनो इंशा अल्लाह, और ये सब अभी वॉइस क्लियर आ रही है, एम आई ऑडिबल, यस 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 वॉइस इज ब्रेकिंग, हाँ यस फॉर बेटर, रुक जाती है आवाज सर, हूँ आ रही है पाजी सर, क्लियर नहीं, अरे यस बोल दो यार, आ गई सर, फिर से नहीं आ रही, अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ गई यार, अब आ गई, अब आ गई, डिजिटल इंडिया जिंदाबाद, मोदी जी ने कर दिया आज से, अभी क्लियर है, ओके बस ठीक है। तो इंडिया स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड एंड इवन स्नैप द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका इन 1954 एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, ओके गाइस थोड़ा पेशेंस रखो, सही बात है खुशबू जी, सही कह रही है, बस पेशेंस की स्पेलिंग गलत कर दी है, हेलो न्यू स्टूडेंट्स प्लीज ज्यादा मैसेज ना करो, इरीगेशन हो रही है, इरिगेशन में इरिटेशन हो रही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, जल्दी जल्दी में जज्बा, हाँ ठीक है समझ गई, भावना समझ गया आपकी, बस ठीक है, अरे इधर ध्यान मत दो ना, इधर चैट बॉक्स पे ध्यान ना दो, इधर इधर ध्यान दो, ठीक है इरिटेशन नहीं होगी, हाँ जय मसीह, ठीक है इधर इधर ध्यान दो, इरिगेशन नहीं करनी बेटा, इधर ध्यान दो, ठीक है। इंडिया स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज द पॉलिसी, हाँ अभी न्यू स्टूडेंट को नहीं पता ना, कोई नहीं लग जाएगा, धीरे धीरे पता लग जाएगा, ठीक है, जिंदगी में आता तब भी नहीं कुछ पता चला था, आपको पता चल गया काफी सर, व्हाट इज अपार्टाइड, हाँ अभी बता रहे हैं ना बेटे, गलती ना, हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है,
इंडिया स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज द पॉलिसी, जो नस्ल भेद है ना वहाँ के, नस्ल भेद को अपार्टाइड बोलते हैं बेसिकली, कि जो रंग भेद करते हैं वहाँ पे यार ये काला है ये गोरा, उसको अपार्टाइड बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इंडिया स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड जो कि साउथ अफ्रीका में थी, एंड इवन स्नैप्ड द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका इन 1954 एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड। उन्होंने कहा कि भैया ये जो नस्ल भेद की आपकी पॉलिसी है ना, इसको चेंज करो, अदरवाइज मतलब हम तो आपसे हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि हम ये चीजें सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो, हाँ नेल्सन मंडेला, वेरी गुड। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो कि फेयर एंड लवली है हमारी, ये भी रंगभेद को एक तरह से प्रमोट करती है कि 21 दिनों में पाए बेदाग गोरापन, ठीक है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि इन सब क्रीमों में कुछ नहीं होता मेरे भाई, अगर ये क्रीमें वाकई में ही है ना कुछ असरदार है, इनको अफ्रीका बेच के देखो, साउथ अफ्रीका में बेचो, सनत जसूरिया के लगाओ, संगाकारा के लगाओ, गोरे हो जाएंगे। हाँ ओबामा भी नहीं गोरा हुआ, ये तो एडिटिंग की हुई है, ओके। तो कुछ नहीं होता यार, वो अंबानी का चेहरा देखा है एकदम, तो बल्ब की तरह जलता है, क्यों? पैसा सर, पैसा, इसके पास पैसा है ना, वो वैसे ही अंदर से ग्लो मारता है। तो पैसा है नहीं आपके पास, ठीक है, वो फेयर एंड लवली दिन रात लगाए हुए परोंठों में फेयर एंड लवली लगा दी हो, ठीक है, ब्रेड के बीच में फेयर एंड लवली लगा के खा रहे हो कि शायद रातों रात गोरापन ना आ जाए, नहीं 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 मेरे भाई, ऐसे गोरापन नहीं आएगा, ठीक है। पैसा है तो सब कुछ है मेरे भाई, ठीक है, पैसा हो तो सब कुछ है, पैसा हो तो रंग भी गोरा है, सब कुछ गोरा है, और गोरे नहीं भी हो तब भी सलाम करेंगे लोग, इट ऑल्सो ग्रोस हियर। ये सब क्या है ना, कैपिटलिज्म है, ये बेवकूफ बनाते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, कैपिटलिज्म का बेसिक मोटिव क्या है, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। आपका बेवकूफ बना रहा है, उन्होंने क्रीम की एड दे दी, क्रीम फेयर एंड लवली की एड में लिया हुआ यामिनी गौतम को, यामिनी गौतम बताओ मेरे को कब काली थी, सोचने की बात है ना। या तो संगाकारा को लो, सनत जयसूर्या को लो, फिर तो समझ आए कि हाँ यार इसका रंग चेंज हो गया तो आप भी यूज करो। ये सब बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं, बाल बड़े हो जाएंगे, ठीक है, रंग गोरा हो जाएगा, हाइट बड़ी हो जाएगी, जो है जो भगवान ने दिया है वो है, ठीक है। कभी रंग, जिंदगी में याद रखना, कभी रंग नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। हम पिंपल विंपल कम हो जाते हैं लेकिन रंग नहीं, ये आम जनता को मतलब बेवकूफ बनाने का है, इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, आपका बेवकूफ बनाना है बस। और आप वो बढ़िया बढ़िया ऐड देख के ले आते हो करीब में 500 की 600 की, ठीक है। तो इस तरह की चीजों पर व्यर्थ पैसा ना, इसके बजाय कि आप अच्छा खाएं और हल्का खाएं जिससे आप ज्यादा देर तक पढ़ें, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट रूल बना दिया है ऐड के लिए, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जज्बात ही नहीं हो रहा, ज्यादा गहराई में नहीं घुसना, मोर में नहीं घुसना, ठीक है। हेल्दी वेल्दी खाना खाओ ताकि पढ़ाई के टाइम नींद ना आए। जैसे कि देख सकते हो पिक्चर में महात्मा गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन इन साउथ अफ्रीका, तभी महात्मा गांधी जी को कहते हैं ना ज्ञान हुआ था, इनलाइटनमेंट हुई थी, तभी उनको लगा कि अरे भाई मेरी बेस्ट, मैं लॉयर, मैं वकील, मेरे को तुमने ट्रेन से बाहर निकल गया, मैं तो कोई वकील नहीं, चलो निकलो, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब इंसान को थप्पड़ पड़ता है ना तो फिर उसको याद आती है, जब अपने ऊपर बीतती है ना फिर याद आती है कि अरे नहीं अरे तो भाई सब कुछ गलत हो रहा। तो वहीं से महात्मा गांधी जी की स्ट्रगल की शुरुआत हुई, ओके। इस वजह से महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में सबसे पहला सत्याग्रह किया था और उसके बाद फिर इंडिया आए थे। कब आए थे इंडिया वैसे, किसी को पता? 9 जनवरी 1915 को आए थे, ओके। हाँ 1915 को आए, 9 जनवरी को आए थे। 9 जनवरी भी याद रखना क्योंकि 9 जनवरी को ही हम बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ओके। तो एक क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स से पूछा गया, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो महात्मा गांधी, द शॉर्ट मैन हेयर ऑन हिज चेस्ट विद सिक्स पैक एब्स, ओके। ये आर जीनियस आदमी, सीरियसली। तो इवेंचुअली यू विल नो अबाउट द महात्मा गांधी, इनको नहीं पता कौन सा दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, PRAVASIYA, प्रवासी भारतीय, सॉरी PRAVASI, प्रवासी भारतीय दिवस, ओके। 9 जनवरी को बनता है, 9 जनवरी को इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी आए थे बाहर से। हाँ NRA Day भी बोलते हैं, प्रवासी, वेरी गुड।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मतलब कि हमारा किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं है, भैया हम सबके साथ हैं लेकिन हम किसी के साथ भी नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर देश के साथ नहीं है, ठीक है। ये नॉन अलाइन मूवमेंट का कंसेप्ट कब आया था, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था यानी 1947 में। उसके बाद आपको पता होगा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, ओके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दो पावर्स इमर्ज हुई थी, एक आपकी यूएसए, ठीक है, और दूसरी यूएसएसआर, जो कि टूट के अब क्या बन गया, रशिया बन गया, ओके। यूएसएसआर, अरे अभी तक लगे हुए यार, ले मैं लिख के दिखा देता हूँ यार, बंदा गूगल पे सर्च कर लेता है। भारतीय दिवस, ओके, 9 जनवरी 1915 को आया, मनाया कब जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ओके, तो ध्यान रखना। तो 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो पावर इमर्ज हुई, ठीक है, ब्रिटेन तो नीचे आ गया था, ठीक है, और दो पावर इमर्ज हुई थी, यूएस और दूसरा यूएसएसआर, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्शन दिए कि आप किसकी साइड हो, यूएस की तरफ हो या यूएसएसआर की तरफ, ठीक है। Just hold for a second. Hello. जी जी. हाँ कर दिए सर, ठीक। हाँ रवि सर का कॉल आया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ तो मैं बता रहा था नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में 1945 में, जैसे ही जो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे सपोज कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है स्लाइड के अलावा वो आप लिख सकते हो, ओके। इसके लिए अलग से आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, इसी में से नोट कर दो यार, अलग से थोड़ी बड़े बनाएंगे आपके लिए, ओके। और नोट्स वही होते हैं जो खुद से बनाए हो, किसी के नोट्स नहीं समझ आते, ठीक है, वो अपने नोट्स खुद बनाना सीखो। हाँ तो मैं बता रहा था 1945 में जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद दो पावर इमर्ज हुई, यूएस और यूएसएसआर, ठीक है। एवरी तो ये बन गया टू पोलर वर्ल्ड बन गया, ठीक है, पीपीटी मिल जाएगी। अरे मेरे भाई फिर वही गरीब बातें, पीपीटी सीपीटी नहीं मिलेगी मेरे भाई, इसमें से बनाओ ना नोट्स, थोड़े मशक्कत करो, सब कुछ आपको रेडीमेड चाहिए ना। हाँ स्क्रीन शॉट ले लो उसके, अरे लिख लो यार, ठीक है, पहले सुन लो ढंग से, वाह यार क्या बात कही यार, सुन लो पहले, ध्यान से समझ लो, लोगों को नोट करने की बड़ी है, नोट्स क्या नोट्स लगा रहे हैं, अरे वाह देवी की वाह, नारी शक्ति जिंदाबाद। एनीवेज सो टू पोलर वर्ल्ड बन गया, आइदर यू हैव टू गो विद यूएस और यूएसएसआर, ठीक है। तो इंडिया ने कहा कि भैया नॉन अलाइन मूवमेंट, इंडिया ने बोला नाम, बोले नाम क्या चीज है भैया, कहते नाम बोले तो नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी हमें किसी के साथ नहीं जाना है, हम तो अलग रहेंगे, हम ये नहीं कि भाई मैं तेरी तरफ हूँ, ना। इंडिया सेड दैट वी हैव अ इंडिपेंडेंट अप्रोच टू अवर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, हमारी इंडिपेंडेंट अप्रोच है अपनी फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। सो इट्स बेसिकली एन अटेम्प्ट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज, ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि यार हम इसकी तरफ है उसकी तरफ है, सभी के साथ, सबका साथ सबका विकास, क्या नाम होगा। उसके बाद है आपकी नॉन अलाइन मूवमेंट के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जो किन्नों किन्नों ने फाउंड की, पहले हैं आपके जो मेन है हमारे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया श्री जवाहरलाल नेहरू जी, देन अहमद सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड जोसेफ ब्रोस ट्रो फ्रॉम यूगोस्लाविया, देन क्वेम फ्रॉम घाना एंड अब्दुल नसर फ्रॉम इजिप्ट, ओके। इनके नाम रट लेना, आपसे प्रिलिम से पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, यू हैव टू पिक अप फ्रॉम दोस ऑप्शंस, ओके। तो नाम रटने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। उसके बाद है सर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा पंचशील। पंच मतलब फाइव एंड शील मतलब सिद्धांत या प्रिंसिपल्स, इसको बोलते हैं पंचशील, फाइव प्रिंसिपल, फाइव प्रिंसिपल।
इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुए थे 1954 में, ठीक है, जैसे कि आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है, हाँ अब आ रही होगी, अब आ गई होगी, अभी आ गई होगी यार, अभी आ रही है, अभी अभी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। तो पंचशील फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954 एज यू सॉ इन दिस पिक्चर, एज यू सी इन दिस पिक्चर। ये शील है, शिला पत्थर की, उसके ऊपर लिखे हुए फाइव पंचशील प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल नॉन, हाँ हाँ मैं, हाँ मैं देता हूँ देवी जी, सफर सफर सबर रखना आपने, हाँ कह रहा जितेंद्र जी का, सबर रखोगे तो बात बनेगी, ठीक है, सब बताया जाएगा, सब सेट है दिमाग में एकदम बकायदा बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही है, अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, बस 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 सर प्लीज कैन यू गो लिटिल बिट स्लो एज वॉइस इज ब्रेकिंग ऑल्सो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रीड, हैव पेशेंस, आ रही है सर, यू कंटिन्यू, ओके मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, ओके। तो पंचशील मतलब फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी को एग्जिस्ट करना, यानी एक साथ रहना है शांति से, वो कैसे रहा जाएगा? आपको पंचशील प्रिंसिपल्स याद करने हैं तो आपको एक हस्बैंड वाइफ या फिर आप कह सकते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन जैसा होता है, उसमें क्या क्या आपको चीजें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं, सेम पंचशील प्रिंसिपल और सेम वो रिलेशन वाले प्रिंसिपल, ठीक है। वो कैसे होगी? म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज सर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करें, वो आपकी करें, आप उसके मायके की रिस्पेक्ट करें, वो आपके ससुराल की करें, वो अपने ससुराल की करेगी, ठीक है, वो आपके घर वालों की करेगी। उसको बोलते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी राष्ट्रीय अखंडता, यानी उसका वो घर भी नहीं छूटना चाहिए, यानी मायका भी नहीं छूटेगा, ससुराल में तो आई ही है, ठीक है, और सॉवरेनिटी और हक भी उसका पूरा रहेगा मायके पे भी और ससुराल पे। पहला म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दूसरा सर म्यूचुअल म्यूचुअल नॉन एग्रेशन सर, गुस्सा नहीं सर, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं, जहां आपने अपनी सहेली को गुस्सा दिखाया, बीवी को गुस्सा दिखाया, वहीं झड़प हो जाएगी, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं, प्यार से हर चीज का हल है, बट प्यार से, जब जो काम प्यार से हो सकता है ना वो गुस्से से नहीं होगा, याद रखना बस, सिंपल सी चीज है। उसके बाद आता है सर म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी नहीं करनी सर। आप सर अपनी गर्लफ्रेंड का फोन चेक कर रहे हो बार बार, मैसेज देख रहे हो किसका मैसेज आ रहा है सर, ये बेवकूफी होती है फोन चेक करना, ठीक है, हाँ ऐसे मैसेजेस मत करो प्लीज सर, इरिटेट होते हैं फालतू मैसेजेस से, ये भी नहीं करना था, चलो हाँ तो मैं बता रहा था, बस आप मैसेज मत करना प्लीज, कोई दिक्कत हो तो मैसेज करो, ओके। द थर्ड प्रिंसिपल इज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, यानी कि निजी मामलों में दखल अंदाजी ना करें, आप अपनी गर्लफ्रेंड का फोन चेक कर लो सर, ठीक है। तो ये होगी सर मूर्खता, ठीक है, क्योंकि जो चीज आप चेक कर रहे हो ना तो वो कब का डिलीट करके बैठ चुकी है। तो नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स सर, निजी मामलों में कोई दखलंदाजी ना करे। सिमिलरली ये बताया गया कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के निजी मामलों में इंटरफेरेंस ना करे किसी प्रकार का भी, ठीक है। द फोर्थ प्रिंसिपल इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी समानता यार, एक समान, ये नहीं कि आपने एक देश के साथ ट्रेडिंग रिलेशन, कोई टैक्स वैक्स जो आपके ड्यूटीज होती हैं, तो बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटीज लगती हैं, कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, एक देश के ऊपर ज्यादा लगा रखी हैं, एक देश के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाई हुई, तो इस तरह का भेदभाव ना करें, इक्वालिटी वाला रिलेशन होना चाहिए, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। द नेक्स्ट वन इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति के साथ रहना सर, ठीक है। तो शादी वाले रिलेशन है सिमिलरली, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है, एक दूसरे की इज्जत, दूसरी नॉन एग्रेशन, गुस्सा नहीं, तीसरा नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, निजी मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करना, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एंड द लास्ट वन इज
पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ओके फाइन। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एफ्रो एशियन बायस, मतलब जितने भी इंडिया किसमें आता है, एशियन कंट्रीज में आता है, ओके तो वो कहता है एफ्रो एशियन, सर ये सब कंट्रोल कौन करता है, क्या चीज कंट्रोल, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात, ये सब कंट्रोल कौन करता है, क्या चीज कह रहे हो, ये प्रिंसिपल्स कौन कंट्रोल करता है, ये तो प्रिंसिपल्स है ना, अरे भाई साहब ये प्रिंसिपल्स है यार, ये मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करते हैं तो वो बात होगी, ये तो प्रिंसिपल नहीं बनाए हुए हैं हमारे इंडिया की पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वेरी गुड, ये मतलब एक तरह से प्रिंसिपल है, दस्तावेज है, ये बने हुए हैं, ठीक है, कि हमें ये पॉलिसी, ये सिद्धांत पे काम करना है, ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एफ्रो एशियन बायस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज स्टैंड फॉर मेंटेनिंग द फ्रेंडली रिलेशंस विद all countries of the world, but it has always exhibited a special bias towards Afro-Asian nations. Okay, वो कह रहा है कि इंडिया जो से सारे देशों के साथ वैसे तो friendly relation है, लेकिन जो उसके पास वाले countries हैं, जैसे Asian countries और African countries, उसके साथ एक अलग से special वो है भेदभाव, जैसे आप होता है ना कि आपका जो खास वाला friend है उसके साथ आपका अलग relation है, जो आपका थोड़ा सा नॉर्मल फ्रेंड है उसके साथ अलग रिलेशन है, ठीक है। तो इंडिया के ये सारे खास वाले फ्रेंड्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सारक बनाया, ठीक है, G77 देन G15, ओके, इंडिया अर्नड इवन अ नेम ऑफ बिग ब्रदर फ्रॉम मेनी ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया कई बार कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाता है और कुछ ज्यादा ही मतलब उनकी इंटरनल अफेयर्स में दिक्कत कर, मतलब क्या कहेंगे, दखल अंदाजी करनी शुरू कर देता है, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं बिग ब्रदर यानी बड़ा भाई, जैसे बड़ा भाई होता है ना, बड़ा भाई हर चीज में टोकता है, अरे ये क्या कर रहा है, अरे वो क्या कर रहा है, तो इसलिए इंडिया को कई बार वो नाम भी दिया जाता है, ओके, बिग ब्रदर का। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सपोर्ट टू द UNO, इंडिया ने UNO को सपोर्ट किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आपको पता होगा इंडिया UNO को मेंबर बना था 1945 में, 1945 में इट सपोर्ट इट्स एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ UNO, ओके, इट एक्सप्रेस अ फुल फेथ इन ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ UNO, ठीक है, सिंपल है सर, इसमें कोई समझने वाली चीज, बेसिक नॉलेज। इंडियाज रोल इन UNO, इंडिया का रोल क्या है UNO में, तो एज यू नो दैट इन 1953, अरे यार क्या चैट कर रहे हो भाई, कोई दिक्कत आ गई क्या, अरे मैं सब बता दूंगा, लास्ट में सब बता दूंगा, बेफिक्र रहो, कहाँ अगर ये लेक्चर में कुछ भी हाँ सर मेरा कनेक्शन नहीं आ रहा, बीच में बाद में यूट्यूब वीडियो डालेंगे सर, हाँ अरे बेफिक्र रहो यार, सब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रह जाएगा तो मैं व्हाट्सएप पे दोबारा से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है सर, ये रिलेशनशिप में बेस पास है होते हैं ना, समझ नहीं आया यार क्या लिखा, क्लास लगान दो सर, हाँ हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछा शुभम जी, मेरे को समझ नहीं आया सर, ये रिलेशनशिप है, मेरे को समझ नहीं आया क्या लिखा, सॉरी MOU एग्रीमेंट, अरे यार वो बाद में आएंगे यार, अभी इतनी आगे मत बढ़ो, जब तक कोई टर्म अभी तक नहीं आई आपके सामने, इट मीन्स अभी उसका टाइम नहीं आया, ठीक है, हर चीज का टाइम आता है ना, पहले सगाई होती है भैया, पहले रुका होता है, रुके के बाद सगाई होती है, सगाई के बाद शादी होती है, और फिर सुहागरात होती है, ठीक है, आप सीधे सुहागरात पे पहुंच गए, सबर सबर शांत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबर, जिसने की सबर वही लेगा दुनिया की खबर, ठीक है ना, सबर जरूरी है, हर चीज आएगी, हर चीज बताई जाएगी, रोका भी होगा, उससे पहले लड़की भी दिखाएंगे, लड़की दिखाएंगे, रोका होगा, हाँ सबर नहीं है किसी को, वाह जी वाह मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब ने सही बात की, सारे मल्होत्रे समझदार होते हैं, सॉरी जोक्स अपार्ट,
अरे एक और आया मल्होत्रा साहब, चलो चलो पढ़ लो यार, पढ़ लो, ज्यादा तरीफे नहीं करनी यार। 1953 में जैसा कि आपको, अरे बस 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 बस, 1953 में जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, शी वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित को नहीं देखो तो आपको दिखा देते हैं। जैसा कि देख सकते हो पिक्चर में, विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने मुंह खोला हुआ चोंच जैसा गाना गा रही है, ओले ओले, बट यू नीड टू फोकस ऑन द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग। ओके, गानों पे तो ना दीजिए, सिर्फ भावनाओं को समझिए। विजय लक्ष्मी पंडित है, यूनाइटेड जनरल असेंबली में शी वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट, बस ये ध्यान रखिए, 1953 में। ठीक है, पेपर में आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया का रोल क्या है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने बताना है कि भैया 1953 में ये जो सफेद बालों वाली बुढ़िया है जिसका नाम विजय लक्ष्मी पंडित है, शी वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, और इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का वो रोल है कि इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन यूएन पीस कीपिंग मिशन। सर ये पीस कीपिंग मिशन होते हैं, जैसे कि मान लो किसी दूसरे देश में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है या कुछ भी, वहां पे कोई पीस कीपिंग मिशन होते हैं, तो वहां पे लेके जाया जाता है इंडिया की मिलिट्री फोर्स को। ठीक है, जैसे कि कहाँ कहाँ पे हुआ है, कोरिया में हुआ है, कोंगो में हुआ है, कोंगो कहाँ पे है, अफ्रीका में, सोमालिया ये भी अफ्रीका में है, सीरा लियोन, सनी लियोन, सीरा लियोन, सीरा लियोन, ओके, एंड सो ऑन, काफी सारी कंट्रीज है यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग मिशन वाला। एंड सेवरल टाइम्स इंडिया बिकेम अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। मैंने आपको बताया कि यार यूएनएससी का इंडिया कई बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। ठीक है, परमानेंट तो बताया आपको 5 है, इंडिया अभी तैयारी कर रहा है, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ, नाउ इंडिया इंडिया इज डिमांडिंग अ परमानेंट सीट इन यूएनएससी, अभी डिमांड कर रहा है, लेट्स सी की मिलती है कि नहीं, आपने कब इस पर ध्यान रखना है, इंशाल्लाह मिल जाए हमको, जल्दी मिलेगी। तो ये इंडिया का रोल हो गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो यूएन के हैं ये बेसिकली सारे, ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएन पीस कीपिंग मिशन, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र, यानी कि जितने भी राष्ट्र हैं सबका मिला के ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। ठीक है, यूएन की ही ये सब पार्ट्स हैं। ठीक है, आपको इनके याद रखने होंगे कि इंडिया किसका मेंबर है, किसका मेंबर नहीं है। सर यूएनजी की फुल फॉर्म रिपीट कर दो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जनरल JNERAL, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, तो सिंपल सा था ये, कोई इतना वो नहीं है खास, ना, बेसिक इंट्रोडक्शन है। ओके, इसके बाद हमारी जो लास्ट प्रिंसिपल है, बट विल विद द बेनिफिट इफ इंडिया बिकेम अ यूएनएससी परमानेंट मेंबर, ये अभी आपको, मतलब जब यूएनएससी पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे यूएनएससी का। अच्छा, बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ, अगेन वॉइस प्रॉब्लम सर, यू आर नॉट ऑडिबल क्लियर, आई ऑडिबल, जस्ट होल्ड डाउन, जस्ट होल्ड डाउन, जस्ट होल्ड डाउन फॉर अ सेकंड, अभी आई, अभी 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 यस बेटर, अभी अभी आ गई होगी यार, अभी आई होगी। अभी 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 नहीं आई, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, मुझे तो आ रही है, अभी आ रही है सभी को, अभी आ रही है, पॉज्ड आ रही है सर, यस, ओके, यार आनी चाहिए, अभी शुरू नहीं आ रही, अब तो आनी चाहिए यार, तो बंद करके दोबारा से ऑन कर दिया,
हो जाएगी ठीक, पैनिक मत करो। थैंक यू। अभी 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 आ गया। यस यस यस, वॉइस इज ब्रेकिंग सर, आवाज क्लियर है। ओके, जिनको नहीं कर पाई भी इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत होगी मे बी आपके। नो सर, जस्ट जस्ट फॉर सेकेंड, रुक जाओ, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। अभी आई इंडियन फॉरेन पॉलिसी, चेक योर। अच्छा, तो मैं करूँ एक मिनट, अभी क्लियर है यार, वैसे जिनको नहीं आ रही है रिफ्रेश कर लो। सही कह रहे हैं, रोहन जी से कह रहे हैं एक बार चेक कर लो। कंटिन्यू सर, दूसरों का अपना प्रॉब्लम भी हो सकता है। रुक रुक के ऑन है आवाज सर, सर कुछ भी नहीं समझ आया, अभी समझाया ही अभी तो। अभी आ रही है अभी आवाज, प्लीज रिप्लाई करो, प्लीज टू रिप्लाई। नो वॉइस सर, एक सेकेंड होल्ड। अभी अभी आ रही है आवाज सभी को? सर योर वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही है, अभी 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 यार दोबारा से किया मैंने, बड़ी मेहनत की है, अब तो आनी चाहिए, अभी आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, बस सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके क्लियर है, ओके फाइन। सो द लास्ट प्रिंसिपल इज डिसआर्ममेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम जितने भी क्या कहते हैं, लास्ट प्रिंसिपल है हमारा डिसआर्ममेंट, ठीक है, कि हम जितने भी जो हमारा जीडीपी है उसका मतलब काफी परसेंटेज हम लोग आर्म्स में, एमिनिशंस में, ठीक है, इन सब पे वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी अपोज्ड आर्म रेस, इतने सारे हथियार वगैरह ना मंगवाइए, एडवोकेट डिसआर्ममेंट ऑफ बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, न्यूक्लियर वेपन्स पे कितने करोड़ों रुपए लग जाते हैं, है ना, तो वहीं अगर पैसा हम लोग डेवलपमेंट पे लगाएं, हेल्थ पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं। ओके, जैसा कि अभी आपको पढ़ा भी होगा कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अभी हमने डिसाइड किया है कि हम अपने जीडीपी का जो 6% है वो हम एजुकेशन पे लगाएंगे। ठीक है, जो कि सबसे पहली बार
1966 में 64 या 66 में कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था, तो अभी तक आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रावधान है, ये प्रोविजन है कि 6% जीडीपी का 6% है वो हम एजुकेशन के ऊपर लगाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो डिसआर्ममेंट से होगा क्या? जाहिर सी बात है ना, आर्म्स वगैरह अगर हथियार वगैरह रखोगे तो लड़ाई होने की संभावना है, लड़ाई होगी तो शांति भंग होगी, एंड रिजल्ट वही है, शांति नहीं भंग होनी चाहिए। ओके, इट्स एम इज बेसिकली टू प्रमोट द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, इट एक्सेलरेटेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब डिसआर्ममेंट हो जाएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो स्वाभाविक है ना। डिसआर्ममेंट मतलब हथियार, हथियार पे पैसा कम, जब हथियार ही नहीं कोई लेगा तो सारा पैसा उठा के कहाँ लगाएंगे हम? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे लगाएंगे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सड़कें बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ठीक है, हाँ मतलब कुछ भी हो जाए बट शांति नहीं जानी चाहिए, शांति को पकड़ के रखना है हमने, बस घूम फिर के वही बात आनी है शांति के ऊपर। ठीक है, सो इट एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट प्रिवेंटिंग अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स। जाहिर सी बात है ना, आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हथियार कोई प्रोडक्टिव काम हो रहा है? प्रोडक्टिव काम तो नहीं, किसी का भलाई तो नहीं हो रही, नुकसान जरूर हो रहा है, भलाई किसी की नहीं हो रही है ना। सो इट प्रिवेंट द अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स। तो एक एक लाइन पे आप ध्यान दोगे ना तो बिल्कुल सिंपल सी लाइनें लिखी हुई है, बस वो थोड़े ऐसे तवज्जो हमने लफ्ज ऐसे यूज किए हैं कि जिससे थोड़ा सा महंगा बन सा है। ठीक है, तो ये आप वैसे ही जनरल नॉलेज बात है, इसमें कोई वो नहीं कि कोई मैंने रॉकेट साइंस की बात की हुई है कि हाँ यार बहुत महंगी महंगी बातें की हुई है, बात वही है, बस उसको एक पेश करने का तरीका होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इंडिया, लेकिन इंडिया ने अभी तक बात तो ही इसकी करती है डिसआर्ममेंट की, लेकिन इंडिया ने अभी तक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की हुई है, क्योंकि 1968 में हुई थी ये ट्रीटी, जो आपके जो P5 कंट्रीज हैं बेसिकली जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो बोलते थे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करो जो बाकी देश हैं, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं यार। क्यों? क्योंकि इसकी काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच थी। इंडिया कहते कि अच्छा तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स रहे, हमारे पास ना रहे, तो हम नहीं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब क्या? प्रोलिफरेशन मतलब फैलाना। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन मतलब कि न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ भी आपने कोई चीज़ नहीं फैलानी। ठीक है, तो इंडिया अगर साइन कर लेता तो न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप ना कर पाता। ठीक है, पोखरण टेस्ट आपने मूवी भी देखी होगी, जॉन इब्राहिम की पोखरण, अगर आपको याद हो। एंड इन इंडिया ऑल्सो नॉट साइंड दिस CTBT, दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑन 1996। ठीक है, उसके बाद इंडिया कैप्ट इट्स न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन, क्योंकि यार कैसी बात है ना, हमारे पड़ोस में कौन है? इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना। ठीक है, तो कभी भी लड़ाई होने की संभावना है। ठीक है, तो इंडिया दैट्स व्हाई कैप्ट इट्स न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन। तो इट अपोजिज NPT यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड CTBT। ये ट्रीटी किसने बनाई है? ये मिल के ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। ठीक है, ट्रीटी ये कोई बनाता नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। ठीक है, कि जिससे सारे फॉलो करें, जितने भी UN की है, ये P5 मेंबर्स हैं, इन्होंने मिलकर बनाई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की न्यूक्लियर मिसाइल्स का कोई यूज नहीं करेगा, उसको फैलाएगा नहीं कोई। ओके, सो दैट्स व्हाई इंडिया अपोजेस NPT एंड CTBT बिकॉज ऑफ देयर डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव वाली एंड हेजमोनिस्टिक अप्रोच। सो दैट्स एंड अप फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस लॉस। ठीक है, इसमें अभी फिलहाल कोई डाउट है तो मैं एक बार जल्दी से, पर सर बाकी देश तो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे तो इंडिया को क्यों कहा गया साइन? नहीं, साइन काफियों ने की है, काफियों ने नहीं भी की है, कईयों ने साइन की है, कईयों ने नहीं किया। आप मेरे को सर्च करके खुद बताएंगे कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन नहीं किया। इंडिया ने नहीं किया, इसराइल ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, और एक आई थिंक नॉर्थ कोरिया ने नहीं किया। ये चार कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन नहीं की हुई है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं क्विक रिव्यू कर देता हूँ, इनको बीच में डिस्टर्बेंस हुई, एक बार फटाफट से, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एक बार क्विक रिव्यू से कर देंगे, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि आज हमने पढ़ा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, ये एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, एक देश तैयार करता है। ठीक है, हायर के नोट्स अलग बनाने हैं यार, ये ना कति मतलब बेवकूफाना सवालात हैं। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स अलग बनाने हैं, IR के नोट्स अलग, IR का अलग सेपरेट रजिस्टर होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा, पॉलिटी का अलग होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट का अलग होगा, और न्यूज़पेपर के जो करंट अफेयर्स हैं उसका अलग होगा। ठीक है,
इससे क्या होगा कि कल को सपोज आपको, मान लो अगले दिन आपका पेपर है हिस्ट्री का, ठीक है, तो हिस्ट्री के अलग से नोट्स बने होंगे, है ना। अरे आप रिप्लाई मत करो, कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ उनको, सबके नोट्स अलग अलग होंगे तो सिंक्रोनाइज्ड होंगे, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। ओके सर आवाज नहीं आ रही। अरे एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुको, सब्र करो, मैं अभी बोल ही नहीं रहा मैं कुछ। अभी आ रही है, अभी आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है, क्लियर है सर, बस 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 बस, ठीक है ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा था कि नोट्स आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इनके न्यूज़पेपर के भी अलग से बनाने हैं आपने। सपोज इकोनॉमिक्स की न्यूज आई है तो इकोनॉमिक्स के अलग से नोट्स बनाओ न्यूज़पेपर के। ओके अच्छा, कंट्रोल प्लस दबा लो, नहीं हुआ यार, अभी तो बड़ी होगी स्क्रीन यार, नहीं बड़ी नहीं हुआ। तो सर कब करने शुरू? नोट्स अरे पूरा निकलवाओ पंडित जी से, शुरू कर देना। अरे अभी ये बड़ा, उसके बाद नोट्स बना लो। अरे ठीक है ऐसे दिख रहा है ना, सब समझ आ रहा है ना, बात खत्म। अभी सबको विजिबल है ना, ये हल्का सा वो पेन लगा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एक्चुअली पहली बार है ना, इसको ज्यादा ऑपरेट किया नहीं मैंने पहले। हाँ सब ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे इरेजर बिकेम लार्ज इन साइज, तो अभी सभी है, सही है, क्लियर है, बस बस। हाँ कर लिया भाई, कर लिया, कंट्रोल प्लस कर लिया, नहीं होती बात नहीं करती। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, छोड़ो आप, अभी दिख रहा है, इतना कोई वो नहीं है, मेरे को भी दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार हम सर दिख रहा है सर, लेट इट, ओके ओके दैट्स। तो जैसे कि हमने आज पढ़ा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है सर, एक देश है एक दस्तावेज तैयार करता है कि इस देश के साथ हमने किस प्रकार की डीलिंग करनी है, ठीक है। इट्स अ प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय वन नेशन इन रिगार्ड टू इट्स डिप्लोमेटिक डीलिंग्स विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ हो सकती है, ग्रुप्स के साथ हो सकते हैं, जैसे सार्क, G20, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ और एजेंसीज के साथ, ठीक है। और द नेक्स्ट इज कौन से फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं फॉरन पॉलिसी को, नेशनल इंटरेस्ट पहला, कि देश का हित किस में है, और दो तरह के हित होते हैं, एक टेम्परेरी होता है एक परमानेंट होता है, कोर इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोर इंटरेस्ट में आपके सॉवरेनिटी आ जाती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आ जाती है, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, टेम्परेरी कोई भी टेम्परेरी इंटरेस्ट की वजह से हम इतना ज़्यादा, अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी कोर इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम सब टेम्परेरी इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल रिलेशन कैसा है हमारे देश के साथ, उस हिसाब से फॉरन पॉलिसी बनेगी। ज्योग्राफिकल उसकी कहाँ पे है लोकेशन उस पर्टिकुलर देश की, उस हिसाब से फॉरन पॉलिसी बनेगी। कल्चर कैसा है वहाँ का, पॉलिटी कैसी है, पीपल कैसे है, डायस्पोरा कैसे है, पब्लिक ओपिनियन कैसा है, टाइम ड्यूरिंग विद द पॉलिसी इज कंडक्टिंग कंडक्टेड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लीडरशिप, ठीक है, इन सब पे डिपेंड करती है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरन पॉलिसी, क्या ऑब्जेक्टिव है, ग्लोबल पीस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 डीपीएस, कॉम्प्रीहेंसिव डिसआर्ममेंट, रिडक्शन और विड्रॉल ऑफ मिलिट्री फोर्सेज एंड वेपन्स, एलिमिनेशन ऑफ वॉन्ट, डिसीज एंड हंगर, मेंटेनेंस ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा, बिल्कुल। प्रिंसिपल सर, एम प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, पीस माने शांति, ये वाली शांति नहीं ना राहुल गांधी वाली शांति, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बेसिकली वी आर एंटी इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म। इंपीरियलिज्म इज बेसिकली अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन एंड यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स, ठीक है। एग्जांपल ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी अपोजेस बोथ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म,
जो कि दिस वाज बेसिकली एन एक्सप्लोरेशन ऑफ वीकर नेशन बाय द इंपीरियलिस्ट पावर एंड इट अफेक्ट्स द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस. तो इंडिया एडवोकेटेड लिक्विडेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म इन ऑल फॉर्म्स. ओके, जैसा कि आप देख सकते हो इंग्लैंड कॉलोनी था. उसके बाद एंटी रेशनलिज्म, रंग भेद सर आवाज कट हो रही है, अभी भी आ रही है, आवाज में दिक्कत आ रही है. चावला साहब आप एक बार रिफ्रेश कर लो. अभी आ रही है, क्लियर आ रही है सर, क्लियर आ रही है. बस यार ठीक है आवाज क्लियर आ रही है सर. सर क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर. ठीक है. तो रेशियलिज्म इज बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, यानी रंग के आधार पर. एग्जांपल, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्लैक्स बाय व्हाइट्स इन अफ्रीका नोन एज अपार्टाइड. सोशल इनइक्वालिटी, इट हिंडर्स द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस. ऐसी बात अगर रंग भेद करेंगे तो सोशल इनइक्वालिटी की भावना पैदा होगी, है ना, सामाजिक असमानता की. यार ये गोरा है, ये ज्यादा बढ़िया है, ये मैं काला हूँ, मैं घटिया हूँ, है ना. इंडिया स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड एंड इवन स्नैप्ड द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका इन 1954 एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड. ओके, फिर लवली एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिज्म, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट. कैपिटलिज्म का मोटिव होता है प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट. ठीक है, तो आज से कसम खाओ कि कोई क्रीम, कोई शैम्पू, कोई मस्कारा वस्कारा, कोई इस तरह की कोई धोखे वाली चीजें नहीं लेनी है. ठीक है, हाँ, कोई फेस वॉश नहीं लेना. सुन लो लड़को, चुप चुप के लगा दो फिर लग. तो ये अपार्टाइड का एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, महात्मा गांधी को अफ्रीका में से निकाल दिया गया था, तभी अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहला आंदोलन शुरू किया सत्याग्रह. के बाद आती है नेक्स्ट प्रिंसिपल, नैम सर, नॉन अलाइन मूवमेंट. इंडिया किसी के साथ अलाइन नहीं हुआ, क्योंकि जैसे 1945 के बाद टू पोलर वर्ल्ड बन गया, इसमें यूएस और यूएसएसआर इमर्ज हुआ. तो इंडिया ने कहा नैम भैया हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे. उसके बाद अभी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि वो कोई पर्टिकुलर देश की वो है बताना चाहिए. ओके, तो इंडिया हैज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट अप्रोच टू द फॉरेन पॉलिसी एंड अटेम्प्ट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज. ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट होंगे. फॉर एग्जांपल, फॉर द टाइम पंचशील फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस साइन हुए थे इंडिया और चाइना के बीच 1954 में. पहला प्रिंसिपल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. ओके, पंचशील के प्रिंसिपल्स. एफ्रो एशियन बायस, इंडिया का स्पेशल बायस है अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज के साथ. इंडिया को ये कहते भी हैं कि टाइटल भी दिया गया कि भाई बिग ब्रदर की तरह कई बार कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाता है और हर बात में टोकने लग जाते हैं. बिग ब्रदर का टाइटल भी गेन किया हुआ इंडिया ने. ओके, सपोर्ट टू द यूएनओ. इंडिया कहाँ दोस्त, खास दोस्त. अच्छा हाँ, खास दोस्त की मैच्योर. जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग. अच्छा, लोगों में अच्छा ये भी बीमारी है कि दोस्त से याद आया कि जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो साथ में कहते हैं कि अरे यार दो तीन बच्चों का ना ग्रुप बना लेते हैं हम बैठ के पढ़ाई हुई. याद रखना भाई, जिंदगी में ग्रुप में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती. याद रखना, ये जो तुमने बनाया ना व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप, कोई स्टडी रिलेटेड तो कोई बात होती नहीं है. ठीक है, हाय हेलो ये वो इस तरह की कोई चैट मत करो. ठीक है, ये पेपर को बात करते हैं. अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो ये सब चीज़ें छोड़ दो. ठीक है, और याद रखना मैच्योर पीपल डोंट हैव फ्रेंड्स, मैच्योर पीपल डोंट हैव फ्रेंड. जस्ट राइट दिस कोट, मैच्योर पीपल डोंट हैव फ्रेंड्स, मैच्योर पीपल हैव फॉलोअर्स. मोदी, नरेंद्र मोदी, सो मैनी फॉलोअर्स. सलमान खान, सो मैनी फॉलोअर्स. ओबामा, फॉलोअर्स. ठीक है, ये बड़े बड़े दिग्गज हैं जितने भी, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके फॉलोअर्स हैं, इनके दोस्त नहीं होते.
जब आपके दोस्त खत्म हो जाए ना, समझ लो आप में मेच्योरिटी आ गई है। ये कई लोग देखे मैंने, अरे मेरे तो 8-10 फ्रेंड्स हैं फेसबुक में, 5,000 फ्रेंड्स हैं इंस्टाग्राम पे, इतने हैं। नहीं 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 फ्रेंड्स फ्रेंड्स कुछ नहीं होते भाई, सब गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। जब तक आप उसके काम आ रहे हो वो आपके काम आ रहे हैं, जिस दिन आप उसके काम आना बंद कर दोगे वो हमें रास्ता जिन कर देगा और आप भी हमें रास्ता जिन। साफ सी बात है, पैसा है तो दोस्त भी है। जिस दिन पैसा होगा ना आइए बनोगे दोस्त, तुम्हारे पे लोग जबरदस्ती आएंगे, अरे भैया मेरे से दोस्ती कर दो, मजाक से हटके। सर आई एम 99, डोंट हैव एनी फ्रेंड। वेरी गुड मैम, ठीक है। ऑल्दो आई डिडंट आस्क बट स्टिल यू आर वेरी ईगर टू टेल मी। तो ये दोस्त वोस्त बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, बिल्कुल फोकस। ये फेसबुक में भी बातें होती हैं कि दोस्त बना लेने, ठीक है, फिर चैट करनी है, फिर फोन पे लग जाना, फिर फेसबुक होना। अगर पेपर क्लियर करना है, UPSC क्लियर करना है, दोस्तों को छोड़ दो, तो मैच्योर दोस्त बनाओ। एक आधा होना चाहिए मैच्योर होना चाहिए जो आपको हेल्प कर, ठीक है। सर मुझे तो फोन ही नहीं दे रखा, तो ये सब तो बहुत दूर की बात है। तो ये वीडियो खाना देख रही है तो देवी जी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करता। चलो एनीवेज, चलो कोई नहीं। अरे सफाइयां नहीं मांग रहा हूं मैं, किसको फोन नहीं यूज। एक आपको बताई गई है बात, हाँ सिंगल लाइफ बेटर लाइफ, ठीक है। कुछ नहीं रहा मैं तुमसे क्या करना है, तुम सिंगल हो, डबल हो, कमिटेड हो, नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ और ओके थैंक यू, ये व्हाट्सएप में 10 बार 1,000 बार मैम बोल चुकी है, लिखना मत लिखा करो, मत लिखा करो, ये मत लिखो। ये सबसे पहली निशानी है मूर्खता की, आपको कोई चीज बोली जा रही है और आपको समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद है लास्ट, जो सेकंड लास्ट है, सपोर्ट टू द यूएनओ इंडिया 1945 में। सर बात तो तब है जब फोन होने पर भी हम अपने आप को कंट्रोल रखें, ये बात जबरदस्त चीज। जरूरी थोड़ी कि फोन ना हो, फोन हो तब भी कंट्रोल में रहो। फोन साइड में क्या है, इसकी मजाल इसको उठा लूंगा। टारगेट रखा करो कि यार आज तो मेरे को हिस्ट्री खत्म करनी है, हिस्ट्री खत्म हो जाएगी उसके बाद कुछ देखूंगा फोन पे, इस तरह का टारगेट रखो, ठीक है। कायदे वाली पढ़ाई करो जी भर के, मतलब है क्या यार कोई हिस्ट्री, है क्या इंटरनेशनल रिलेशन, तू है क्या, 7-8 तो प्रिंसिपल नहीं है, 4-5 ऑब्जेक्टिव है जिसमें आधी से ज्यादा शांति की बात की हुई है घुमा फिर के, ठीक है। इंडिया का रिलेशन कैसा है, इंडिया के प्रिंसिपल कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडियन फॉरन पॉलिसी का मेन क्या है, पंचशील क्या है, नैम क्या है, पोलर वर्ल्ड क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है, अपनी भाषा में लिखो उसको। आपसे जैसे ही वीडियो से उठो तो आपकी अगर दादी जी भी आपसे पूछे कि क्या बेटा क्या पढ़ाया सर ने, तो उठ के ऐसे बता दो एक मिनट में, दादी मैं बताती हूँ आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो होती है, ठीक है। घर में कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग कुछ भी पूछे हो, ठीक है, तो इस तरह का याद हो तो समझो आपको क्लियर है, अदरवाइज नहीं क्लियर है, ओके। उसके बाद सपोर्ट टू द UNO, जैसा कि इंडिया मैंने पहले बताया इंडिया 1945 में मेंबर बन गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का आजाद होने से पहले बन गया था। इट सपोर्ट एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ UNO, एक्सप्रेस्ड फुल फेथ इन ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ UNO, ठीक है। इंडिया का रोल के UNO में बताया था 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित, ये तो देवी जी हैं सफेद बालों वाली, है ना। ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ UNGA एंड इंडिया वॉज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द UN पीस कीपिंग मिशन इन कोरिया, कोंगो एंड सोमालिया एंड सीरा लियोन एंड सेवरल टाइम्स इंडिया बिकेम अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC। नाउ इंडिया डिमांडिंग अ परमानेंट सीट इन UNSC, ओके लेट्स सी कब मिलेगी। द लास्ट प्रिंसिपल इज डिसआर्ममेंट, यानी हथियार वथियार बंद करो और ज़्यादा इस पर पैसा लगाओ डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे लगाओ, एजुकेशन पे लगाओ, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ। So that's why Indian foreign policy poses arms race, advocate disarmament of both conventional and nuclear weapons. Its aim is basically to promote world peace and security. जाहिर सी बात है disarmament क्या अगर करेंगे तो इससे क्या होगा, it accelerated the economic development. Accelerated मतलब एकदम से boost up हो जाएगी हमारी economic development, preventing the unproductive expenditure of manufacture of arms. मैं पहले बता चुका हूँ unproductive expenditure है ना, इससे कोई भलाई नहीं हो रही, हथियार पे पैसा खर्च रहे हैं इससे कोई भलाई नहीं हो रही। That's why India, इसलिए
लेकिन इंडिया ये सब होने के बावजूद भी इंडिया नॉट साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन 1938, एनसीटीपीटी दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी 1996, एंड दैट्स व्हाई इंडिया केप्ट इट्स न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान और चाइना, ये बहुत ही बदतमीज़ किस्म के हैं, हरामखोर किस्म के हैं, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन रखे हों। सो और इंडिया इसलिए अपोज कर रही है बिकॉज इट बिकॉज ऑफ देयर डिस्क्रिमिनेटरी एंड हेजमोनिस्टिक अप्रोच। ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ है हायर का, यानी इंटरनेशनल रिलेशन का। ओके, इसमें कोई अभी डाउट हो तो आप मेरे को बाद में पूछ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, पानी वानी पी लो आप भी, मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ। 5 से 10 मिनट बाद दोबारा से हम लाइव होते हैं, ठीक है, 5 से 10 मिनट बाद। ये ऐसी चल रही है वीडियो, मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है, 10 मिनट बाद पूरे 5 और 10 10 10 पानी पी के आते हैं, है ना। आप भी पानी वानी पी लो, ठीक है, जल पान कर लो, हाथ मुँह धो लो। ओके ओके मत लिखो, पानी पी लो, पानी वानी पी लो, थोड़ी सी एनर्जी एनर्जी आ जाएगी, है ना। हाँ बाय नहीं, अभी आ रहे हैं देवी जी, अभी आ रहे हैं, पानी वानी पी लो, जल पान कर लो। थोड़ा सा पानी पियो, पानी पियोगे हाथ मुंह धोलोगे फ्रेश हो जाओगे। फिर ओके, फिर थैंक यू, हैव अ गुड डे सर। अरे आ रहा हूँ भाई, 5 मिनट में आ रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ। आवाज गई, और सर भी गए, बस टाइम 10 मिनट फोन चार्ज पे लगा दो, आवाज नहीं, सर ने 10 मिनट ब्रेक लिया, लोन भी नहीं आया, अब भी 5 मिनट का ब्रेक चल रहा है, ब्रेक में कुछ ज्ञान आपको बताते हैं, क्या करते हैं। सर आप जी जाते
अरे वीडियो भी चली नहीं, वीडियो भी चल रही है नहीं। पूरी वीडियो, अरे आएगी आएगी आवाज आएगी, अभी ब्रेक ही चल गया, अभी आ रही है आवाज। अभी 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 आगे 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 आगे। सर आपका ऑडियो वीडियो भी बीच में रखा है, अभी मैंने पक्का जुगाड़ कर दिया, दोबारा से देखो सर, कल क्लास है ना, ये दिनों में बताएंगे कल क्लास है, ठीक है। अभी आवाज आ रही है सभी को, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? शुरू करें फिर से। यस 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 पानी वानी पी लिया सभी ने? पानी पी लिया? एक मिनट बस, सभी आगे 107 हो गए, सर प्री वर्कआउट पी रहे? नहीं यार प्री वर्कआउट अभी थोड़ी पी रहा, शाम को पी रहा, ये कोलेजन पाउडर है, कोलेजन जॉइंट्स वगैरह के लिए होता है, स्किन के लिए होता है, जॉइंट्स के लिए होता है, कोलेजन बूस्ट करना, हमारी बॉडी कोलेजन होता है बूस्ट करने के लिए। नहीं, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन अलग चीज होती है, प्रोटीन इज फॉर मसल बिल्डिंग, कोलेजन इज फॉर जॉइंट्स के लिए, जॉइंट्स की रिकवरीज के लिए होता है, स्किन के लिए होता है बेसिकली, हेयर्स के लिए होता है, बोन्स के लिए होता है, जॉइंट्स के लिए होता है। ओके सर रेडी हो रहे हैं क्लास के लिए, साड़ी वाड़ी पहन रहे हो क्या भाई? अच्छा अच्छा मेरे को बोल रहे हो सर रेडी हो रहे हैं क्लास के लिए, हाँ मैं रेडी हो रहा हूँ। मसल टिश्यूज के लिए सभी आ गए, 111 लोग आ चुके हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट। ओके तो ये आपका ब्रेक हो चुका है खत्म,
अब पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट। ओके, हाँ सर, वी आर रेडी एंड एक्साइटिंग। ओह माय गॉड, इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या हैं बेसिकली? इकोनॉमिक्स में हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, देश, जैसे कभी बात करने की महंगाई कितनी बढ़ी है, ठीक है, महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन, देश का जीडीपी कितना कम हो रहा है, जीडीपी बोले तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तब कितने गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन हो रहा है हमारे देश में, उसको जीडीपी से पता चलता है। ओके, तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं, इट्स ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। मतलब पैसा बन कैसे रहा, पैसा कैसे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है मान लो किसी चीज की। हमारे देश में सपोज ब्रेड बन रही है, सपोज ठीक है, ब्रेड बन रही है, प्रोडक्शन हो रही है, यानी उस चीज की प्रोडक्शन होगी तो मार्केट में जाएगी तो उससे पैसा आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमी इज अ बेसिकली ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन कंजम्पशन, ब्रेड बनी उससे पैसा आया, उसकी कंजम्पशन भी, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, तो उसको ब्रेड को लेने देने में हमने जो पैसा ट्रांसफर किया। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ओके, तो सबसे पहले आएगा मनी बर्थ एंड इवोल्यूशन। मनी का बर्थ कैसे हुआ और इवोल्यूशन कैसे हुई? सर आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है तो हम आगे चलें। आ रही आ रही है, बस 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 बस, ठीक है। मनी बर्थ एंड इवोल्यूशन, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ? जैसे कि आपको पता होगा शुरुआत में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब सपोज जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, इनके पास टमाटर है, इनके पास चावल है, ठीक है, इसको इसको टमाटर चाहिए और इनको चावल चाहिए, तो मिलके क्या बन जाएगा, पुलाव बन जाएगा, है ना। तो इन्होंने इसको टमाटर दे दिए और बदले में इनको चावल दे दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, यानी कि इसको एक चीज की जरूरत है और उसको अगली चीज की जरूरत है, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज, ठीक है, सामान के बदले सामान, इन्हीं सामान के बदले पैसा, नहीं सामान के बदले सामान, यानी ये अच्छा। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बहुत रेयरली होता है कि वो चीज दोनों के पास होनी चाहिए। कि अब मान लो आपको चाहिए चीनी, सामने वाले के पास है टमाटर, और वो कहे कि यार तू उससे टमाटर से काम चला ले चीनी की बजाय, अब चाय में आप टमाटर थोड़ी डालोगे, ठीक है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी होना चाहिए, ये बहुत रेयर होता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो जाए, ठीक है। हाँ, इट इज पॉसिबल व्हेन बोथ पार्टीज आर एग्री। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, कमोडिटीज का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो शुरुआत में पहले बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे, जैसे कि आपको पता हो टेराकोटा कॉइन्स हैं, क्ले के कॉइन्स होते हैं एंशियंट टाइम में, आपने एंशियंट हिस्ट्री अगर पढ़ी हो तो थोड़ा बहुत पता हो आपको, टेराकोटा कॉइन्स है, देन मेटल कॉइन्स है, ओके, देन पेपर करेंसी आई, नोट बनने शुरू हुए, देन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो आप लोग यूज करते हो शॉपिंग मॉल में, उसके बाद बिटकॉइंस इंडिया वर्चुअल करेंसी होती है बेसिकली, ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, जैसे नोट तो आप हाथ में पकड़ते हो, ये बिटकॉइन कोई हाथ में नहीं पकड़ सकते। कोई मेरे को बताओ, लिक्विड करेंसी नहीं बेटा, वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल बिटकॉइन मतलब वर्चुअल करेंसी, लिक्विड करेंसी इसको बोल सकते हैं, पैसे को बोल सकते हैं, ओके, दोनों में डिफरेंस है, ऐसे अपने हिसाब से मर्जी से कोई कंसेप्ट मत अपने दिमाग में लगाओ, ठीक है। सॉरी, तो बिटकॉइन इज बेसिकली वर्चुअल करेंसी। तो क्वेश्चन में पेपर में ये पूछ सकता है क्या बिटकॉइन लीगल, बिटकॉइन के बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो करेंगे, आपसे ये पूछ सकता है कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं है, नहीं है सर इंडिया में लीगल नहीं है, आरबीआई ने मना कर दिया, क्लियर नो, ठीक है, बाहर है लीगल, हाँ कई कंट्रीज हैं जहाँ पे लीगल है, ओके, यूएसए में है, जापान में है, चाइना में, जापान में तो बाकायदा एटीएम लगा हुआ है बिटकॉइन का, ओके, मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है बेसिकली, इसमें कोई ये नहीं कि करेंसी वरेंसी है हाथ में, क्लियर है सर?
उसके बाद आगे चलते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, मनी सर्कुलर वे में कैसे फ्लो होती है, ठीक है। अब जैसे ये हाउस होल्ड है, जैसे आप लोग हो, ठीक है, आपके पास क्या है, लैंड है, जमीन है, ठीक है, और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनके लिए आप क्या हो, लेबर हो, ठीक है। एक बिजनेसमैन, जैसे अंबानी जी बनाए हुए, ठीक है, सपोज मिडिल क्लास भी होते हैं, ठीक है, लोअर क्लास भी होते हैं, जो लोअर क्लास होंगे वो लेबर बन जाएंगे, जो थोड़े से मिडिल क्लास होंगे उनके पास लैंड होगी, तो वो लैंड लीज पे किसको दे देंगे, बिजनेसमैन को। इन्होंने लैंड और लेबर दिया बिजनेसमैन को, तो बदले में बिजनेसमैन ने लैंड का तो क्या दिया, रेंट, ठीक है। आप कोई भी दुकान किराए पे लेते हो तो बदले में रेंट देते हो, है ना। और लेबर अगर आप सपोज कहीं काम कर रहे हो तो वो आपको क्या देगा, वेजेस, यानी तनख्वाह देगा, ओके। तो यहाँ से पैसा सर्कुलेट हुआ, ठीक है। अब इसको बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है। इसको लोन कौन देगा, बैंक देगा, या तो बैंक देगा या एनबीएफसी बोलो तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फॉर एग्जाम्पल LIC, ठीक है, मतलब जो बैंक की तरह काम करती है, लेकिन बाय द डेफिनेशन इट डज नॉट कम अंडर बैंक्स, ठीक है, बैंक की डेफिनेशन के अंडर फुलफिल नहीं होती, लेकिन ठीक है। इन्होंने इसको लोन दिया, ठीक है, बदले में ये इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा बिजनेसमैन, ओके। और बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा लोन देने के लिए, जैसे हम लोग हैं, हम लोग पैसे जमा कराते हैं, कहाँ पे जमा कराते हैं, बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है। तो बैंक उन्हीं पैसों को आगे लोन पे दे देता है और हमें कुछ ब्याज देगा, जैसे मान लो आपने सपोज बैंक में कराए 1 करोड़ रुपए जमा, ठीक है, मान लो एक पर्टिकुलर सपोज आप जलंधर में रहते हो, ठीक है, जलंधर के लोगों ने बैंक में सपोज SBI बैंक में जमा कराए 1 करोड़ रुपए, ठीक है, बैंक के पास 1 करोड़ रुपए हो गए, वो बैंक ने 1 करोड़ रुपए दे दिए किसको, बिजनेसमैन को, वो पूरे 1 करोड़ नहीं देता, मान लो 1 करोड़ में से 50 लाख दे दिए, ठीक है। अब वो 1 करोड़ रुपए के कुछ सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्लियर, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आ रही है यार, आप अपना चेक करो प्लीज, आ रही है, ओके, बस और कोई मैसेज ना करो बस, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जैसे सपोज जलंधर में कुछ लोगों ने 1 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, अपने मतलब SBI बैंक में जमा करवा दिए, किसी ने 1 लाख कराए, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, 10 लाख, टोटल मिलके 1 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है। वो 1 करोड़ में से कुछ 50 लाख रुपए बैंक ने लोन दे दिया अंबानी को, ठीक है। अंबानी से वो चार्ज करेगा 12% इंटरेस्ट, यानी 12% ब्याज देगा अंबानी उसको हर महीने का, ठीक है। और हाउस होल्ड जिन्होंने ये पैसे जमा कराए हैं उसको ये बैंक देगा 7%, ठीक है। अंबानी से ले रहा है वो 12% और हाउस होल्ड को दे रहा है 7%, यानी 12 - 7 5 हो गया, ठीक है। वो जो 5% है वो क्या हो गया, बैंक का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मनी सर्कुलेट करती है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है, क्लियर है सभी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आगे चले। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, एक आपको खाली ओवरव्यू से दिया जा रहा है, ठीक है, यस क्लियर क्लियर, ठीक, बस दो तीन के आने बस। सर्कुलर फ्लो कैसे करता है, जैसे हाउस होल्ड है, इधर बिजनेस फॉर्म है, लैंड अगर देते हैं तो उसको बदले में ₹10,000 जमा करवा दिए बैंक में, तो बदले में आपको सर आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है, ठीक है, बस, ठीक है। तो आपने सपोज कैपिटल इन्वेस्ट की जैसे बैंक में, ठीक है, जमा पूंजी अपनी, तो बदले में बैंक आपको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो डिविडेंड्स किस पे मिलते हैं, सपोज आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड्स मिलते हैं, यानी जो प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, शेयर मार्केट में जो प्रॉफिट होता है। एंड बैंक्स एंड NBFCs दे एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, यानी बीच में पैसा हाँ, अभी कुछ बोला ही नहीं
अभी आ गई, अभी अभी ऑडिबल है, अभी ऑडिबल है। ठीक है, अच्छा किसी ने बीच में पूछा शेयर मार्केट, अरे शेयर मार्केट यार आपको इसमें पी, मैंने आपको कहा है सिर्फ जितना समझाया जाए उतना समझो। शेयर मार्केट क्या होती है वैसे, सिर्फ इतना समझ लो, शेयर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट, शेयर्स नहीं होते यार, हर कंपनी के शेयर्स होते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं यार, बेसिक वो है। इसमें आपको PhD नहीं करनी, बस इतना शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, वो जो शेयर बिकते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, बस इतना बेसिक, PhD नहीं करनी हमने किसी सब्जेक्ट में, बस खाली जनरल नॉलेज होनी चाहिए एक आम आदमी जितनी। ओके, जो कि आज के टाइम में आम आदमी को भी नहीं है। सर क्लियरली नहीं, वानिता शर्मा जी क्लियर है सर, नहीं वानिता क्या क्लियर नहीं हुआ, क्या क्लियर नहीं हुआ प्लीज जल्दी पूछिए। अरे वॉइस पूछ रहा, वॉइस क्लियर है तो वॉइस अच्छा। ओके सर, मे यू प्लीज स्पीक विट लाउड, या आई एम ऑलरेडी स्पीकिंग लाउड। So banks and NBFC they both act as financial intermediaries. Okay. उसके बाद next slide पे चलते हैं। Now the question is कि how supply demand affects the equilibrium. Supply demand आपको पता ही होगा, जैसे मान लो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मान लो किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, आप सपोज मान लो छोले भटूरे खाने जाते हो रोज, ठीक है, आपको छोले भटूरे अच्छे लगे, आपने 10 लोगों को और बताए, वो 10 लोग भी पहुंच गए, उन 10 ने आगे 10 को बताए, धीरे धीरे करके उस रेडी वाले पे काफी सारे लोग हो गए, उस चीज की डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ गई तो उससे दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगी प्राइस इंक्रीज, वेरी गुड, सिंपल सी बात है ना, छोले भटूरे वाले कहेगा कि यार डिमांड बढ़ा दो, ठीक है, या फिर और उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। अब रोज उस पर पहले वो बनाता था 50 बंदों का छोले भटूरे, अब उस पे आने लगे 100, सप्लाई कम होगी, ठीक है, तो जिस वजह से महंगाई बढ़ने के कारण हो जाते हैं, जब डिमांड बढ़ने शुरू हो जाती है ना तब महंगाई बढ़ जाती है, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, वेरी गुड, वो हम बहुत महंगे महंगे कंसेप्ट हैं, उनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ये आपको सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दिया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स में होती क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दिखाया गया 1 किलो प्याज है 20 रुपए की, ठीक है, अभी एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मोदी ने मान लो लॉन्च किया मालामाल योजना, ठीक है, कि भैया अंडर दिस ही गेव 15 लाख टू एवरी गरीब, हर गरीब आदमी को 15 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, अब गरीब बन गया अमीर, 15 लाख रुपए आ गए, अमीर हो गया, यानी उसके पास क्या आ गया, मोर मनी। अब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा डिमांड करेगा ना, ठीक है, पहले आप सपोज मान लो खा रहे थे दाल फुल्का, अब आप खा रहे हो चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी या मलाई कबाब या छोले भटूरे या शाही पनीर, कुछ भी ले लो, ठीक है, जब ज्यादा पैसा आ जाता है तब डिमांड भी लोग ज्यादा करने लग जाते हैं, ये चीज भी, ये कंसेप्ट भी है, मोर मनी लेट टू मोर डिमांड, जिससे ऑनियन प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, विच लेट टू इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ जाएगी, जिससे इक्विलिब्रियम है, जो डिमांड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, या तो गवर्नमेंट मेंटेन करती है या RBI मेंटेन करती है, ठीक है, दोनों अपने अपने, गवर्नमेंट मेंटेन कैसे करेगी, गवर्नमेंट ऑनियन की सप्लाई बढ़ा देगी, कि मार्केट में ऑनियन ज्यादा रहेगा तो क्या कहते हैं उसका दाम नहीं बढ़ेगा, ठीक है, अगर कम रह जाएगा, ठीक है, तो उसका दाम बढ़ेगा, जैसे कि मैंने आपको छोले भटूरे वाला एग्जाम्पल दिया, अगर मान लो सिर्फ वो 50 का ही बना सकता है तो 50 का ही रेट बढ़ा देगा, उसकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन अगर सेम रेडियां 3 रेडियां और लगी अगर उसके रेडी के साथ छोले भटूरे की, तो उसका रेट कम हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑनियन, ये कौन कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, बाय गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई पॉलिसी यूज करेगी
मतलब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन क्यों होता है, उसी रेट में मिले चीज को क्या दिक्कत है बेटे। इसमें ना हमने अपने वो देसी कंसेप्ट नहीं लगाने, इसमें सिंपल सा समझो, दो चीजें से डिमांड पड़ेगी, या तो चीज अच्छी है या आपके पास पैसा ज्यादा है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब मान लो एक मोहल्ले में गरीब रहते हैं, ठीक है, प्याज हो गया 100 रुपए किलो, लेकिन गरीब है तो गरीब आदमी खरीदेगा नहीं, तो प्याज का दाम हो जाएगा कम। अब हुआ क्या, एक दिन उस मोहल्ले में जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आ गए, ठीक है, सभी ने कहा भैया पैसे तो आ गए अब हमारे पास, अब एक काम करते हैं रोज अब सब्जियों में प्याज डालेंगे, ठीक है, सलाद में प्याज डालेंगे, ठीक है, मटन बिरयानी बनाएंगे, चिकन बिरयानी बनाएंगे, उसमें भी प्याज डालेंगे, ठीक है। सबके पास पैसा आ गया, सभी क्या लेने दौड़ गए, प्याज लेने दौड़ गए, ठीक है, यानी डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो दुकानदार क्या करेगा, प्याज का दाम बढ़ा देगा, पैसा कमाना है यार, वो भी दाम बढ़ाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन डिपेंड करती है, महंगाई डिपेंड करती है डिमांड पे या सप्लाई पे, या तो डिमांड की वजह से बढ़ेगी या सप्लाई कंस्ट्रेंट कि लोगों ने कुछ जमाखोरी कर लिया मान लो किसी चीज की, ताकि उसकी डिमांड, ताकि उसकी महंगाई बढ़ा सकें कि मार्केट में भाई प्याज खत्म हो गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं, तो इसलिए दाम बढ़ा दिए उसके पीछे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गारमेंट्स के ले लो, चाहे शूज के ले लो, ठीक है, तो उन लोगों ने उसके दाम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि पीछे से तो आ नहीं रहे, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो महंगा मिल रहा है, अब जो हमारे पास स्टॉक है उसको हम महंगा करके बेचेंगे, ठीक है। मनी उसको होर्डिंग बोलते हैं, या हाँ होर्डिंग, जमाखोरी जिसको हिंदी में बोलते हैं, जमाखोरी, ठीक है। तो ऑनियन प्राइस इंक्रीज हो गया तो इन्फ्लेशन, हाँ, तो मैं बता रहा था टू मेंटेन इक्विलिब्रियम अगेन, या इसको इन्फ्लेशन को बचने के लिए क्या, या तो सप्लाई गवर्नमेंट बढ़ा देगी ऑनियन की, जब सप्लाई बढ़ा देगी, ठीक है, नहीं ब्लैक मार्केटिंग अलग होगी, ठीक है, या तो सप्लाई बढ़ा देगी ऑनियन की, या फिर क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगा डिक्रीज द मनी सप्लाई, आरबीआई मनी सप्लाई कम कर देगा, लोगों के पास कम पैसा आएगा, ठीक है, जिससे वो डिमांड ज्यादा ना करें। तो दो केस हो सकते हैं, या तो सप्लाई बढ़ा देगी, या आरबीआई मनी सप्लाई कम करेगी टू कॉम्बैट द इन्फ्लेशन, उसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी। टाइट मनी मतलब मनी को रोक के रखना ताकि मनी लोगों के पास ज्यादा ना आए। टाइट मनी पॉलिसी कैसे करेगा, लोन के रेट बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट, ताकि लोगों के पास लोन के पैसे कम हो, ताकि लोग लोन कम लें, ठीक है, क्योंकि तो लोग लोन कम लेंगे उनका पैसा कम होगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट इंटरमिक्सिंग है, ये खाली अभी हम ऊपर से पढ़ रहे हैं सिर्फ, इसमें कुछ ना समझ आए तो साथ के साथ पूछ लेना मेरे से, अभी आ रहा है समझ, आगे चलें। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कॉम्बैट डीफ्लेशन। अब डीफ्लेशन क्या होती है, डीफ्लेशन मतलब मनी मंदी आई पड़ी है मार्केट में, मतलब लोग अब जैसे ये कोरोना वायरस के टाइम पे अब मंदी आई पड़ी है। अभी पीछे आपने देखा होगा कि मोदी ने क्या कहा कि जितने भी एमएसएमई हैं, जितने भी मध्यम वर्गीय जो आपके बिजनेस हैं, उनको सब, उनको क्या कहते हैं, मनी मतलब सस्ते में लोन दे देंगे, ठीक है, 2 साल तक कोई ब्याज नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मंदी से बचने के लिए गवर्नमेंट का सिर्फ स्टेप था, ठीक है, बाय इंक्रीज द मनी सप्लाई, इसको बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी और इजी मनी पॉलिसी। ओके, इजी मनी पॉलिसी जब मनी का फ्लो एकदम से बढ़ जाए, और टाइट मनी पॉलिसी जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो कि भाई ज्यादा ब्याज पे मिलेगा लोन, ठीक है, और इजी मनी पॉलिसी पे कम ब्याज पे मिलेगा लोन, या बिल्कुल ही जीरो ब्याज पे, नेग्लिजिबल ब्याज पे, ठीक है। तो इसलिए लोग ज्यादा लोन लेंगे, लोग ज्यादा लोन लेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग पैसा आएगा तो लोग खरीदारी करेंगे, तो डिफ्लेशन ही मंदी, तो जिससे मंदी की जो सिचुएशन है वो हट जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बैंक लायबिलिटी। बैंक लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है लायबिलिटी, एक होती है एसेट। लायबिलिटी मतलब देनदारी, बैंक की देनदारी। बैंक की देनदारी क्या है, हमारे डिपॉजिट, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, सपोज मैंने आज 1000 रुपए कराए, अगले हफ्ते फिर 10,000 कराए, फिर 10,000 कराए, फिर 10,000 कराए, यानी 10-10 तीन बार कराए 30,000, और एक 31,000, यानी बैंक की मेरे को देनदारी कितनी होगी, 31,000, ये होगी लायबिलिटी, इसको बोलते हैं लायबिलिटी, ठीक है। अब आती है एसेट की बारी, ठीक है, एसेट की बारी। एसेट क्या होते हैं, बैंक के एसेट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने बैंक से लोन लिया, हमने मैंने सपोज मान लो बैंक से लोन लिया,
ठीक है, बैंक ने मेरे को 15 लाख रुपए का लोन दिया और उस पर ब्याज लगाया 6%, वो जो 6% उसको मैं ब्याज दूंगा वो बैंक के पास प्रॉफिट है, ठीक है, यानी वो बैंक का एसेट है, वो बैंक का प्रॉफिट है और वो बैंक एसेट अपना यूज कर सकता है, समझ रहे हो। यहाँ भी हम पढ़ेंगे बैंक की लायबिलिटी कैसे, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो ये डिपॉजिटर है, सपोज ये मैं हूँ, ये बैंक है, बैंक में मैंने रुपया जमा कराया और ये बैंक ने मेरे को देना है, ठीक है। लायबिलिटी, अरे यार इतना क्यों अभी घुस रहे हो, बॉन्ड्स आर एसेट्स, अभी मत घुसो इतना, हाँ बॉन्ड्स आर एसेट्स, अभी इतने उसमें उसमें मत घुसो, अभी वो अलग से अभी पढ़ाया जाएगा, अभी जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब तक जिस चीज का जब टाइम आएगा वो तभी बताई जाएगी, ये नहीं कि पहले स्वागत से शुरू करेंगे फिर पीछे शादी होगी, तभी तो आजकल की जनरेशन खराब हो रही है। धीरे धीरे फिर लड़की दिखाएंगे भैया, धोखा कराएंगे, फिर मंगनी कराएंगे, फिर शादी कराएंगे, फिर भेजेंगे हनीमून, ठीक है। तो सबर करना है आपने, जितना सबर करोगे उतना गहराई में समझ आएगा। अभी जितना समझा रहे हैं उसमें कोई डाउट हो तो वो पूछो, अलग से मत पूछो, कोई नया कंसेप्ट मत पूछो, ठीक है। लाइबिलिटी मीन्स नीड, नहीं नहीं सर, लाइबिलिटी मतलब देनदारी सर, देनदारी, मेरी देनदारी, बैंक की देनदारी है हमारे को, हमने बैंक में पैसा जमा करा है, बैंक की देनदारी है मुझे, ठीक है ना, बैंक ने वो पैसा मुझे वापस करना है, ठीक है, लाइबिलिटी होगी। तो बैंक की लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है डिमांड लाइबिलिटी, होती है टाइम लाइबिलिटी। मैं बोल रहा हूँ लाइबिलिटी मतलब देनदारी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूँ, वो जिम्मेदारी लग जाएगी, हाँ जिम्मेवार तो होगा, अकाउंटेबल होगा बैंक देने का। बैंक की लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है डिमांड लाइबिलिटी, एक होती है टाइम लाइबिलिटी, ओके। जैसे पहली है करंट अकाउंट, आप लोगों का बच्चों का या आप पापा करंट अकाउंट होगा सर, वो आज अभी आ जाइए, अभी आ जाइए, अभी आ जाइए, 5 मिनट वेट करो, वेट करो, अभी नहीं आ रही, अभी आ गया, अभी अभी ऑडिबल, अभी ऑडिबल, यस यस, अभी हो गया, अभी ऑडिबल, अभी ऑडिबल, ओके 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 ओके, अरे यार वेट कर ले करो यार, थोड़ा सब्र करना सीखो जिंदगी में, इतना सब्र करोगे उतना। ये एग्जामिनेशन पेशेंस की है, जिसने पेशेंस की वो ही कैन, ही और शी कैन इजीली सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन, अदरवाइज आप
पढ़ोगे आप 6 महीने पढ़ के आपको, अरे यार बात नहीं बनती। एक अटेम्प्ट देखे हो, अरे यार बात नहीं बनती, छोड़ कुछ छोड़ कर लेता हूँ, छोड़ कर देता हूँ। सब्र करना सीखो यार, ठीक है। आज के टाइम में डाइवोर्स केसेस इसलिए बड़े बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोगों में सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। बीवी ने कुछ कह दिया, पति कुछ लड़ गया, पति ने कुछ कह दिया, बीवी कुछ लड़ गया। अरे क्या पता अगले का मूड खराब, क्या पता अगले का मूड खराब, बाहर से गालियां वाली बताएंगे तो उसको समझोगे तो तुम्हें समझेगा, है ना। तो यार शांत, सब्र। सारे सोचते हैं कि एक ही बारे में सारे सवाल हुआ, हाँ सही बात, सही बात, सही बात। तो हमारा बस चल, शादी हो तो सारे सवाल आज ही हो, बताओ पिछले पहले कितनी सहेलियाँ रही, पति ना गए अरे भाई भैया अभी तो बहें, सफर तो करो, सफर बहुत जरूरी है। सो एनी वेज लेट्स कम टू द टॉपिक। यार अब ना बोलो यार, वॉइस कट रही है, सारा कुछ कर दिया, अभी सही आ रही है वॉइस, आ रही आ रही आ रही, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ तुम भी, इधर आ जाओ। हाँ तो लाइबिलिटी की, वो लाइबिलिटी की बात हो रही थी। तो दो तरह की लाइबिलिटी होती है बैंक की, एक डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी। जैसे आपके फादर साहब का अकाउंट होगा, बिजनेस अकाउंट होगा, तो वो करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट जैसे आपके बच्चों के होते हैं, सेविंग अकाउंट, ठीक है। सेविंग करंट अकाउंट में है, जैसे आज पैसे डाले आप कल निकाल भी सकते हो, ठीक है, मतलब ऑन दी डिमांड कर सकते हो कभी भी बैंक पे जाके, ठीक है। सेविंग अकाउंट में भी ऐसे, आज सपोज आपने 10,000 जमा कराए, 4 दिन बाद उसको निकलवा लो, 6 महीने बाद निकलवा लो, चाहे अगले दिन निकलवा लो, ठीक है, सेविंग अकाउंट। डिमांड ड्राफ्ट में भी ऐसा होता है, ड्राफ्ट भरो, डिमांड कर लो बैंक से पैसे निकालने के अपने अकाउंट से। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट, ठीक है, हाँ डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। एक होते हैं टाइम डिपॉजिट, जैसे मान लो आपके पास मान लो 1,00,000 रुपये आ गया, आपने कहा कि अरे यार ये मैं फिक्स डिपॉजिट करा देता हूँ, ठीक है, 1,00,000 रुपये आ गया, आपने कहा कि यार ये तो मैं दादी की आंखों की ऑपरेशन कराऊंगा, ये मैं बहन की शादी के लिए रख लेता हूँ, ठीक है, ये मैं अपनी बेटी की शादी के लिए रख लेता हूँ, अपने बेटे की शादी के लिए रख लेता हूँ, या अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रख लेता हूँ, ये मैं जब वो 18 साल का होगा तब निकलवाऊंगा। तो ये हो गए फिक्स डिपॉजिट, यानी टाइम डिपॉजिट हो गए, ठीक है। ये टाइम लाइबिलिटी, यानी बैंक को इतने टाइम बाद, जैसे मान लो सपोज 10 साल की आपने FD कराई है, ठीक है, 10 साल बाद जाके मैच्योर होंगे फिर मिलेंगे आप, ठीक है। तो 10 साल वाली ये होगी टाइम लाइबिलिटी, ठीक है, सिंपल है, तो इसमें ज़्यादा वो रॉकेट साइंस नहीं है। ये होगी डिमांड, ये होगी टाइम। इसमें रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, एक कैश सर्टिफिकेट होते हैं, सिमिलरली स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सारे टाइम डिपॉजिट होते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू नो दीज नेम्स। टाइम डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट होते हैं, कैश सर्टिफिकेट होते हैं, स्टॉक सिक्योरिटी होते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि बैंक की आपसे पूछ सकता है कि डिमांड लाइबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए या टाइम लाइबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इट्स बट ऑब्वियस कि बैंक की टाइम लाइबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, क्यों, क्या करो, करंट अकाउंट बता दो सर। करंट अकाउंट बेटा, जैसे आपके फादर, ये जनरली बिजनेस फॉर्म्स के होते हैं करंट अकाउंट, ठीक है, जैसे सपोज मान लो कोई भी बिजनेस फॉर्म है उसका करंट अकाउंट होगा, ठीक है, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट अलग मिलता है, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट अलग मिलता है, ठीक है। डेली ट्रांजेक्शन, सपोज आपने आज मान लो 1,00,000 रुपये आए आपकी कंपनी के अकाउंट में, ठीक है, कल आपको 50,000 की ट्रांजेक्शन करनी है अगले दिन, मतलब कि लंबे समय तक नहीं रहते, ठीक है, रोज ट्रांजेक्शन होती रहती है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आपके जैसे बच्चों के हो गए, कभी होगी कभी नहीं, ठीक है। तो आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि बैंक की डिमांड लाइबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए या टाइम लाइबिलिटी। जाहिर सी बात है ना, टाइम लाइबिलिटी, क्योंकि टाइम लाइबिलिटी होगी तो बैंक के पास ज़्यादा देर तक पैसा रहेगा, ज़्यादा देर तक पैसा रहेगा तो बैंक उस पैसे को लोन पे दे सकता है आगे, सिंपल है। तो बैंक डिमांड लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, बैंक की टाइम लाइबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि बैंक के पास ज़्यादा टाइम रहेगा, ज़्यादा टाइम उसको रीपे में भी उसको ज़्यादा टाइम और आगे फर्दर लोन भी दे सकता है लोगों को, है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए फायदा है, बिकॉज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पे 0% इंटरेस्ट, ठीक
ठीक है, आज आपने 10,000 जमा कराए, कल आपने निकलवा लिए, ठीक है। देयरफॉर पब्लिक इज इंटेलिजेंट एंड देयरफॉर इट पुट मैक्सिमम मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। पब्लिक भी समझदार है, पब्लिक भी फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा जमा कराएगी ना लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि उसको ज्यादा ब्याज मिले। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में इतना नहीं मिलता इंटरेस्ट, तो आपने भी अगर किसी ने करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में किया है पैसे जमा, तो जाके सॉरी करंट अकाउंट सेविंग में किया तो जाके अपना फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट में जमा करवा। ओके, सिंपल है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक होती है सर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होती है? सपोज करो कुछ डिपॉजिटर्स ने बैंक में डिपॉजिट करा है 120 करोड़, ठीक है, और कुछ डिपॉजिटर्स ने सर लास्ट में ब्रैकेट बोला बेटे, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पे 0% ब्याज मिलता है, ठीक है। एक तो जैसा कि मैंने बताया बैंक का भी फायदा किसमें है कि मेरे पास ज्यादा लॉन्ग टर्म वाले पैसे आए, ठीक है, ताकि वो फर्दर लोन दे सके लंबे समय तक, ठीक है। और पब्लिक का भी फायदा है कि जितना ज्यादा मैक्सिमम आप फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट में कराओगे ना, उतना आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा, क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पे 0% ब्याज है। ओके, बट लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट और लिखा हुआ, देयरफॉर इफ पब्लिक इज इंटेलिजेंट देन इट पुट मैक्सिमम मनी इन फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। ओके, सिंपल है सर। उसके बाद आते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होती है करंट से। हाँ, लगभग सेम है, एक ही मासिक लड़ती है। सपोज कुछ डिपॉजिटर ने बैंक में जमा कराया 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़, कुछ डिपॉजिटर ने बैंक से अगले दिन ही 20 करोड़ रुपए, ठीक है। तो बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होगी? 100 करोड़ रुपए, ठीक है, NTTL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये हर शुक्रवार को देखी जाती है कि बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है, एवरी फोर्टनाइट ऑफ फ्राइडे, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि बैंक उसी के आधार पर देता है ना लोन वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 120 करोड़ रुपए लोग इसमें जमा करा रहे हैं और 20 करोड़ निकाल दे रहे हैं, यानी 100 करोड़ रुपए बैंक के पास बचता है, ठीक है। तो इस 100 करोड़ को बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड मतलब जो डेली डिमांड हो रही है, ठीक है, और लायबिलिटी, ठीक है। सपोज करो मान लो CRR यानी कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो क्या होती है ये हम बाद में बताएंगे आपको विस्तार पूर्वक, अभी सिर्फ इतना समझो। सपोज कैश रिजर्व रेशो है, मान लो चल रहा है उस टाइम 4%, ठीक है, 4% ऑफ इसका होगा, इसका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का होगा, ठीक है। और इस पे बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, बैंक गॉट नो प्रॉफिट ऑन CRR, ठीक है। अभी दोबारा भी बताऊंगा मैं, एक बार पहले ऐसे समझो। और SLR मान लो 22% है सपोज, ठीक है, ये 22% भी किसके ऊपर लगेगा? 100 करोड़ के ऊपर लगेगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। इस पे बैंक गेन सम प्रॉफिट ऑन SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को, ये कैश रिजर्व रेशियो बोले तो सिर्फ इतना समझो, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि बैंक ने कुछ कैश रिजर्व करना है, इसके बाद रिजर्व रखेगा RBI के पास, ताकि उसका दिवाला कल को ना निकले। मान लो बैंक के पास आए 120 करोड़ रुपए, ठीक है, लोगों ने निकाल लिए 20 करोड़ रुपए, यानी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए बच गए। अब बैंक क्या करे, अगर मान लो 100 करोड़ रुपए ही जाके दे दे आगे लोन पे, ठीक है। अब हुआ क्या, अब मान लो अचानक से आप जैसे 10 लोगों को मान लो एकदम से पैसे की जरूरत पड़ गई, घर में कोई मुसीबत आ गई है, कुछ भी कोई शादी आ गई, कोई बड़ा खर्चा आ गया, ठीक है, आप एकदम से बैंक के पास चले गए कि भाई हमारे को तुम्हारे पैसे दिए, ठीक है। तो उस केस में RBI कहता है कि भैया कुछ कैश रिजर्व रखो आप मेरे पास, कि इन केस आपके सर के ऊपर कुछ लोग आके, कस्टमर आपके आके खड़े हो जाए, आपका दिवाला ना निकले, इसलिए कुछ पैसा मेरे पे रिजर्व रखो, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें आपके पास पैसे ना हो, तो वो पैसे मैं आपके उस टाइम मदद में दे सकूँ। तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ये बैंक रिजर्व रखता है जिसके पास, RBI के पास, क्योंकि हमारा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ो। अभी खाली हल्का सा इसके बारे में, CRR के बारे में अलग से स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, बस अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, कुछ कैश रिजर्व रखता है बैंक RBI के पास, और वो कैश रिजर्व रेशियो किस
का कैसे डिसाइड की जाती है, इसके ऊपर, NDTL के ऊपर, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कितनी है उसका 4%, ये बदलता रहता है, कभी 4% होता है, कभी 5 होता है, कभी 4.5 होता है, कभी 3.5 होता है, ठीक है। और ये बढ़ता घटता कैसे है वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। तो बैंक को इसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, कैश रिजर्व रखता है जो RBI के पास, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। एक होता है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक अपने पास रखता है, ठीक है, इन्वेस्ट कर देता है। स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी लिक्विडिटी जिनकी ज्यादा है उन चीजों में इन्वेस्ट कर देता है। अब आपसे पूछूं मैं कि गोल्ड की ज्यादा लिक्विडिटी है या मोटरसाइकिल की है। सपोज आपने मुझसे पैसे लेने हैं, ठीक है, आपने मेरे से मान लो 1,00,000 रुपए लेना, मेरे पास दो चीजें हैं, 1,00,000 रुपए की सोने की ईंट पड़ी है और 1,00,000 रुपए की मेरे पास बुलेट खड़ी है, तो आप दोनों में से कौन सी ले जाना पसंद करोगे, क्या चीज ले जाना पसंद करोगे, सोने की ईंट या मोटरसाइकिल? बट ऑब्वियस ना, गोल्ड, गोल्ड क्यों सारी सोने, ठीक है, गोल्ड क्यों लेके जाओगे, क्योंकि गोल्ड की लिक्विडिटी ज्यादा है। लिक्विडिटी ज्यादा का मतलब क्या, जल्दी सेल होगा, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है कि बैंक उन चीजों में इन्वेस्ट करेगा जिन चीजों की लिक्विडिटी ज्यादा है। कि कल को मान लो बैंक, हाँ, इजिली कन्वर्ट हो जाए जो कैश में, ठीक है, कि कल को बैंक को एकदम से पैसा चाहिए तो वो उन एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, किन में, लिक्विड एसेट्स में, ठीक है, कि एकदम से उनको बेच के फटाफट पैसे भी आ जाएंगे, कल को कस्टमर्स खड़े हो। तो बैंक दो जगह पैसा रिजर्व रखेगा, एक तो CRR, सर गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता रहता है, ये नहीं है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहता है, इसीलिए वो लिक्विड एसेट्स है, वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा इजीली कैश में, इसीलिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए उसको मोस्ट लिक्विड एसेट्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे बैंक, सॉरी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, वो भी लिक्विड एसेट्स होती है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है ना, ऐसे देखो अगर आपने नीचे लिखा होता है मैं धारक को 1,00,000 रुपये देने का या 1,00,000 रुपये देने का, जितने की भी अमाउंट की सिक्योरिटी है वो देने का वचन करता हूँ। जैसे नोट के नीचे भी लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन करता हूँ, नीचे आपके गवर्नमेंट को, ओके, ठीक है। तो CRR और SLR किस पे डिपेंड करते हैं, बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है, इस पे बैंक गेन सम प्रॉफिट ऑन SLR, पता ना, वो सोने में इन्वेस्ट कर रखे हैं उसने, बैंक ने पैसे, आज सोना मान लो 60,000 रुपए का, ठीक है, दिवाली पे सोना मान लो 65,000 रुपए हो जाएगा, तो इस पे बैंक प्रॉफिट गेन करते हो। सिंपल है सर, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी समझ आया। नेट डिमांड एंड लायबिलिटी मतलब जो डिपॉजिटर डिपॉजिट करा रहे हैं, ठीक है, और जो डिपॉजिटर विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो बचा अवशेष वो है बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो हर शुक्रवार की रात को देखी जाती है, ठीक है। और आपका CLR और SLR निकालना हो तो किस पे डिपेंड करता है, NDTL पे, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अभी समझ आ गए सबको, आगे चलिए कंटिन्यू करें। क्वेश्चन पूछना तो यू कैन आस्क सर, प्लीज रिपीट SLR, ओके, आई विल रिपीट। वैसे तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ हल्का सा ब्रीफ में आपको फिर से बता दे रहा हूँ। SLR मतलब स्टैट्यूटरी मतलब मैंडेटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब SLR में बैंक को इन्वेस्ट करना ही करना है। NDTL उनको निकालता है पर्टिकुलर बैंक, और आगे यार NDTL ये बैंक्स का होता है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, ठीक है, NDTL ये सारे बैंकों का निकाला जाता है, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ओके, उस पर्टिकुलर बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, कितने विड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, तो हर एक का NDTL अलग अलग होता है, ओके, RBI का, SBI का अलग है, पंजाब नेशनल बैंक का अलग है, आंध्रा बैंक का अलग है, यूनियन बैंक का अलग है, ये सब का अलग है। तो SLR के बारे में बता रहे, स्टैट्यूटरी मतलब मैंडेटरी, यानी बैंक को पक्का करने ही करने हैं, किसमें इन्वेस्ट, लिक्विडिटी यानी जो लिक्विड एसेट्स हैं उनकी रेशियो, स्टैट्यूट लिक्विडिटी रेशियो। जैसे कि मैंने आपको बताया लिक्विड, जैसे गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रिनॉन्ड प्राइवेट फॉर्म जैसे रिलायंस के शेयर खरीद, लिक्विड एसेट्स हैं, ठीक है, मतलब इनका पता है कि हाँ यार इसमें प्रॉफिट ही होगा हमें, तो बैंक गेन सम प्रॉफिट। SLR जब करेंगे तो एग्जाम्पल और ज़्यादा बताए देंगे आपको, ठीक है, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो बैंक गेन सम प्रॉफिट ऑन SLR, बट बैंक डज नॉट गेन एनी प्रॉफिट ऑन CRR। ये RBI के पास रिजर्व होते हैं पैसे, ये तब काम आते हैं कि इनकेस बैंक का दिवाला निकलने लगा, बैंक के पास पैसे नहीं है, तो RBI वो उस खजाने में से, खजाना क्या, वो बैंक का ही पैसा होता है, उसमें से बैंक को, क्लियर है।
आगे चला जाए। इन्फ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है, यहाँ पे हल्का सा इसका खाली ओवरव्यू दिया जाएगा, बाद में आपको पूरा और डिटेलिंग में समझाया जाएगा, आप खाली हल्का सा ऊपर ऊपर से दिया जाएगा। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब मंथली एकदम मार्केट में काम ही नहीं है, जैसे अभी कोरोना वायरस का। इन्फ्लेशन के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया जैसे मान लो पहले लोन मिल जाता था 5% ब्याज पे, अभी आरबीआई ने बढ़ा दिया 10% ब्याज, कि भाई आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा, जिससे लोग कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो लोगों का पैसा कम होगा, कम पैसा होगा तो वो कम खर्चेंगे, और कम खर्चेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है ना। इन्फ्लेशन मतलब मंदी आई पड़ी है, इसमें क्या करेगा आरबीआई, इजी मनी पॉलिसी, ठीक है, आरबीआई क्या करेगा इसमें सपोज जो इंटरेस्ट रेट है ब्याज की दरें कम कर देगा, लोन सस्ते कर देगा, लोग लोन लेंगे तो लोगों के पास पैसा होगा, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग मार्केट में जाएंगे खरीदा खरादी करने, तो जिससे मार्केट हो जाएगी, ठीक है, और जब ज्यादा ही उठ जाएगी तो महंगाई हो जाएगी, फिर उसको टाइट मनी पॉलिसी कर देगा, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन होती है यानी महंगाई जब होती है तो उस केस में आरबीआई करता है इंक्रीज कर देता है क्या, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर यानी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। आप पूछोगे सर महंगाई के टाइम पे आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज बढ़ाता क्यों है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि सीआरआर क्या होता है, 4% ऑफ NDTL, that is net demand and time liability, ठीक है, और net demand and time liability क्या है, ये 100 करोड़ रुपए बैंक के पास बचा हुआ है, अब ये 100 करोड़ रुपए का चाहे बैंक आगे लोगों को दे ब्याज पे, ठीक है, या फिर CRR रखे। अब सपोज CRR अगर 10% हो जाए मेरा 100 करोड़, यानी 100 करोड़ का 10% तो आपने RBI के पास रख दिया, ठीक है, और मान लो SLR हो जाए 30%, और 100 करोड़ का 30% आपने SLR में यानी लिक्विड एसेट्स में रख दिया, तो आपके पास क्या 10% मतलब 10% यहाँ चलेगे, 30% यहाँ चलेगे, 40% तो आपने रिजर्व रखे हुए हैं, तो आपके पास कम पैसा यानी लोन पे देने के लिए, ठीक है, तो इसलिए आप ब्याज भी महंगे लगाओगे, क्योंकि बैंक को तो अपना प्रॉफिट पूरा करना है, ठीक है ना। जब बैंक ब्याज ज्यादा लगाएगा, याद रखना जब CRR और SLR बढ़ेगा तो बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा कर देगा, जिससे लोग कम महंगा लोन ले, ठीक है, महंगा लोन लेंगे तो कोई बिरला बिरला ही लेगा ना, कोई एक आधा ही लेगा, तो कोई एक आधा लेगा तो कोई उस हिसाब से फिर मार्केट में तेजी भी नहीं आएगी, जिससे मार्केट में थोड़ी स्लो होने लग जाएगी, जिससे क्या होगा महंगाई थोड़ी कम होने लगेगी। जैसे कि लिखा होगा आरबीआई इंक्रीज CRR और SLR, जिससे क्या होगा बैंक लेफ्ट विद लेस मनी टू लेंड, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा तो उसने कैश रिजर्व कर दिया आरबीआई पे, और आधा पैसा लिक्विड एसेट्स में रिजर्व कर दिया, ठीक है। सो SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये मैं टाइप कर देता हूँ, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म याद कर लो अच्छे से, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझो, ठीक है, समझ आ जाएगा। आरबीआई ने CRR बढ़ाया और SLR बढ़ाया, इसकी वजह से क्या हुआ, बैंक्स लेफ्ट विद लेस मनी टू लेंड, बैंक के पास कम पैसा हुआ लोगों को लोन देने के लिए, वो कैसे किया, और उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, क्योंकि बैंक को प्रॉफिट भी चाहिए अपना, तो लोन के लिए पैसा कम है इसलिए ब्याज ज्यादा बढ़ा दिया, ताकि प्रॉफिट तो उतना आता रहे, जिससे क्या होगा पीपल बोरो लेस। अरे यार 2 मिनट अभी डिफ्लेशन पे भी आ रहे हैं, पहले इन्फ्लेशन समझो ना, धीरे धीरे, पीपल बोरो लेस, जब इतना महंगा लोन होगा है ना, जब इतना महंगा लोन होगा तो लोग कम मतलब क्यों लोन लेंगे, कहेंगे हम क्यों दे यार, इतनी इतनी ब्याज राशि मंदी चल रही है, वैसे इतनी महंगाई चल रही है, इससे क्या होगा लोगों के पास कम पैसा होगा, तो डिमांड कम हो जाएगी, जब डिमांड कम हो जाएगी
प्राइस अपने आप डिक्रीज हो जाएंगे ना, लोगों की चीजें बिकेगी। मान लो एक आदमी है वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचता था पहले, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी हुई थी, ठीक है, उसकी चीज बढ़िया बिक रही थी। छोले भटूरे वाला एग्जाम्पल ले लो, छोले भटूरे वाले के छोले भटूरे बिक रहे थे बढ़िया, ठीक है, उसने 50 रुपए की प्लेट 100 रुपए में कर रखी थी, लेकिन अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग छोले भटूरे खाने नहीं जा रहे, अब लोग छोले भटूरे खाने नहीं जा रहे, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम हो गई है छोले भटूरे वाली। छोले भटूरे वाले ने क्या करा, 100 वाली प्लेट अब कर दी 2500 रुपए, ठीक है, यानी प्राइस डिक्रीज कर दी है, डिमांड डिक्रीज विच लेड टू प्राइस डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज लेड टू इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। सिंपल है, पहले इन्फ्लेशन समझो, दोबारा बताता हूँ, इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई चूज करेगा डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी मतलब टाइट मनी पॉलिसी, यानी मनी का फ्लो कम हो। मनी का फ्लो कम कैसे होगा कि आरबीआई मैक्सिमम पैसा बैंक का अपने पास रिजर्व रखेगा एज अ कैश रिजर्व रेशियो, ओके, और मैक्सिमम पैसा उसका लिक्विड एसेट्स में रिजर्व रखवाएगा, ठीक है, ताकि बैंक महंगे लोन दे, ठीक है। आरबीआई इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो which led to banks left with less money to lend, जिससे क्या होगा, it increase the interest rate, bank ब्याज की दरें बढ़ा देगा, loan की ब्याज बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, people borrow less, लोग कम borrow करेंगे bank से loan, जिससे क्या होगा, demand decrease, demand कम हो जाएगी, prices decrease, price नीचे आ जाएंगे, इससे increase control हो जाएगी। simple concept, अभी समझ आ गया, deflation पे चलें, बताइए, डियर मनी पॉलिसी बेटा, डीएमपी, डियर मनी पॉलिसी, डियर किरण भी बेटा, डियर डियर, आई लव यू माय डियर, हाय डियर, मेंशन ऑन फेसबुक पे, डियर मनी यानी मनी महंगी होगी है, डियर होगी, खास होगी है, इसलिए डियर मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी। आगे समझ, डियर मनी पॉलिसी, डियरनेस, महंगाई, भाई ये बंदा हमारा खास है, डियर है, ये हमारा खास है, इसको टाइट रखना है, इसको पास रखना है, ऐसे जानो, ठीक है, ये हमारी सहेली है, हमारी खास है, हमारी डियर है, इसको टाइट रखना है, पास रखना है, ताकि ये किसी के पास नहीं जाए, समझ आ गया। आगे चलो, डिफ्लेशन, सर जो आप टाइप कर दो स्क्रीन पर, अरे यार मैंने ये कमेंट सेक्शन में टाइप करा, चलें आगे, चलें, चलो, हाँ तो ये था हमारा डिफ्लेशन, ठीक है, डियर कैन बी रिलेटेड विद डिक्रीमेंट डिमांड। नहीं सर, आप डियर मनी पॉलिसी में सिर्फ इतना ध्यान रखो, डियर मनी पॉलिसी तब होती है जब आपकी महंगाई ज़्यादा हो जाती है, जब महंगाई यानी इन्फ्लेशन जब बढ़ गई तब आरबीआई चूज करता है डियर मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी। महंगाई क्यों बढ़ती है, जब मनी बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही होती है, मनी बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा होता है, तो पैसे को रोकना है हमने, डियर बनाना है यानी टाइट करना है, ताकि उसका फ्लो कम हो, ताकि लोगों की डिमांड कम हो जाए, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी तो जिससे प्राइसेस कम आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। सिंपल पॉइंट, अब पढ़ते हैं डिफ्लेशन, मंदी चली पड़ी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, मार्केट में जा नहीं रहे, तो बैंक क्या करेगा, आरबी क्या करेगा, आरबी सीआरआर और एसएलआर को डिक्रीज कर देगा, ठीक है, सीआरआर एसएलआर को डिक्रीज करेगा, यानी बैंक हैव नाउ मोर मनी टू लेंड। देखो ना पीछे क्या था, जैसे सीआरआर सपोज 4% है, बैंक ने 2% कर दिया, और एसएलआर सपोज मान लो 15% कर दिया, ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बैंक के पास ज्यादा पैसे, यानी बैंक का एनडीटीएल ज्यादा हो गया, है ना, बैंक के पास एनडीटीएल ज्यादा है ना, बैंक के पास ज्यादा पैसे बच गए, अब बैंक के पास ज्यादा पैसे बच गए, उसने कहा अरे यार मेरे को इतना पैसा, एक काम करता हूँ 7% ब्याज 20 सालों को दे देता हूँ, ठीक है, यानी उसने इंटरेस्ट रेट बैंक ने कम कर दिया, यानी डिक्रीज कर दिया, इससे क्या हो गया, लोग जाएंगे, एनडीटीएल क्या है, एनडीटीएल है नेट डिमांड,
बच्चे बताया वो यार फोर ही हो गया एंड डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एंड डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एंड डीटीएल। तो हाँ मैं बता रहा था जैसे सपोज मंदी चल रही है तो आरबीआई ने डिक्रीज कर दी सीआरआर और एसएलआर यानी बैंक है और मनी टू लेंड डिक्रीज इंटरेस्ट रेट ब्याज दरें कम कर दी इससे क्या होगा लोन लोन लेने जाएंगे लोग अरे भाई जैसे सस्ता लोन मिल रहा है लोन ले लो ठीक है पीपल लोग सस्ता लोन ले लेंगे जिससे क्या होगा डिमांड बढ़ जाएगी लोगों की लोगों का पैसा आ जाएगा लोन का ठीक है डिमांड बढ़ जाएगी तो धीरे प्राइस भी राइज होगी पहले तो प्राइस बिल्कुल ही मर गए थे ना ठीक है तो धीरे धीरे प्राइस होने शुरू कर दी ठीक है तो आरबी तब तक ये पॉलिसी रखेगा चीप मनी पॉलिसी है जिसको डिफ्लेशन में चीप मनी पॉलिसी क्योंकि यहाँ पे इजी मनी पॉलिसी भी बोलते हैं ठीक है सी एम पी बोलो चीप मनी पॉलिसी चीप क्योंकि इसमें हमने मनी का फ्लो बढ़ाना है ठीक है इसमें मनी का फ्लो महंगाई में घटाना है मनी का फ्लो और मंदी में बढ़ाना है ठीक है जिससे क्या होगा डिमांड बढ़ेगी प्राइसेस बढ़ेंगे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे जाएंगे डिमांड तो उस चीज को प्राइस बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा कंट्रोल होगी ठीक है मार्केट में फिर से खुशहाली आ जाएगी सिंपल है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कोई डाउट हो किसी का जल्दी पूछिए चीप मनी पॉलिसी और उसको इजी मनी पॉलिसी भी कहते हैं और कोई क्वेश्चन डाउट क्वेरी सर रुपी की वैल्यू पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं सर वो हम अलग से डिस्कस करेंगे वो इसका कोई इसमें कोई कोई थोड़ा बहुत करो इस बारे में कुछ सर हाँ सर मैंने अभी बताया ना ये देखो सर देखो ना मैंने बताया ना CRR क्या होगा 4% ऑफ दिस 100 करोड़ बट इन दिस 100 करोड़ दिस इज NDTL दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी NDTL क्या है जो डिपॉजिट लोगों ने कराया सपोज 120 करोड़ रुपए जमा कराए और जो विड्रॉ करा लिए 20 करोड़ तो जो बच्चे बैंक के पास कितने बच्चे लोगों को लोन देने के लिए 100 करोड़ रुपए बचा इस 100 करोड़ में से 4% तो रख लिया आरबीआई ने ठीक है ये चेंज होता रहता है CRR कैश रिजर्व रेशियो ठीक है आपको रटने की जरूरत नहीं है कितना होता है बस जिस दिन पेपर होगा उससे 10 दिन पहले का पढ़ लेना कि क्या चल रहा है मुझे पूछता नहीं आरबीआई सॉरी यूपीएससी और SLR 22% यानी NDTL का 4% RBI ने कैश रिजर्व रखवा लिया उसको 22% कहाँ इन्वेस्ट करा दिया SLR में ठीक है और जो बाकी बचे वो आपको लोन देगा उसके ठीक है क्लियर है सर क्या RBI की अदर बैंक्स की तरह मनी के लिए रिजर्व रखता है नहीं सर रिजर्व नहीं रखता एक्चुअली वो अलग से है कंसेप्ट का नाम है वर्ल्ड बैंक में बताऊंगा आपको वो अलग कंसेप्ट है आरबीआई नहीं रखता आरबीआई व्यक्ति बैंकों की रखवाता है आरबीआई नहीं रखता चेंज होता रहता है सीआरआर हाँ जी बिल्कुल प्रोग्राम सर बट वाई इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग महंगाई क्यों बढ़ रही है महंगाई सर काफ़ी कारण होते हैं सर वो इन्फ्लेशन जब हम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे डिमांड पुल फैक्टर्स होते हैं कि डिमांड बढ़ेगी एकदम से इसलिए महंगाई बढ़ेगी इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है सर पूरे माइंडिंग को ठीक है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए एक अलग से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है ठीक है MPC बोलते हैं उसका RBI गवर्नर चेयरमैन होता है 6 लोगों की कमेटी बनती है ठीक है इन्फ्लेशन पर किसी कंट्रोल नहीं है सर इन्फ्लेशन दो तरह से बढ़ती है जैसे मैंने आपको बताया डिमांड बढ़ेगी ठीक है या फिर सप्लाई घटेगी सिंपल सी बात है
मैंने बताया ना वो छोले भटूरे वाले के पास कारीगर नहीं है, वो सिर्फ 50 प्लेट ही बना सकता है, लेकिन उस पर डिमांड आ रही है 100 लोगों की, तो वो क्या करेगा, सप्लाई उस पर कम है जिससे वो प्राइस बढ़ा देगा। दूसरा ये हो सकता है रेट इसलिए बढ़ा दिया उसने, उसके पास लोग ज़्यादा आने लग गए तो इसलिए उसने रेट बढ़ा दिया। अरे फिस्कल पॉलिसी, अरे क्यों इतनी गहराइयों में क्यों घुस रहे हो? हाँ, ड्यू टू पॉपुलेशन भी बढ़ती है, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, सिंपल है। और भी क्वेश्चन? और समाप्ति की घोषणा करी, हमारा खाने का टाइम हो चुका है, प्लीज जब भी आपके सवाल आते हैं तो उसको बताया ना कि लोन सस्ते हो जाएंगे, एग्जांपल बताया तो बोरिंग पे नहीं यार, आरबीआई की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, आरबीआई उस टाइम कौन सी पॉलिसी यूज कर रहा है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन के दौरान, डिफ्लेशन के दौरान, सर जो गवर्नमेंट पर कर्ज होता है वो किस बात से, दैट सही कह रहे हैं, जसप्रीत सही कह रहे हैं, जिस चीज पर जब वक्त आएगा आपको बता दिया जाएगा, ये आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया गया है, आपको जो समझाया गया ना उसमें से डाउट पूछने को कहा गया, जो नई चीजें हैं उभर के आ रही है उस पे नहीं, ठीक है, आप आगे मत दौड़ो, अभी तो स्वागत अपने बहुत जरूरी है, तो मार खा रहे हो भाई, तो सभी को समझ आ गया, सभी को आगे समझ, हाँ ना, ओके ओके, यस यस यस, अरे चलो ठीक है सर, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हुए आपसे जाने के लिए आपके यहाँ आपको सभी समझ आया, ठीक जिनको नहीं समझ आया वो एक बार दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, बच्चे आपस में उसके ऊपर शेयर कर दें, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।